Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबको पाप से बचता ना कोई, प्यार सब कुछ है, प्यार सब कुछ है। सफर है और सिक्के हैं छोटे छोटे, जिंदगी एक लंबा सफर है। अबे ओ लीडर, साले ऐसी जगह खड़ा है जहाँ सिवाय ठोकरों के और कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से। ए ए ए बाबा, ए क्यों मारते रे, हैं दिन भर तो लाते चलाते हो, घर में आकर भी लाते,
खिलाते तो कुछ नहीं हो। अरे घर के अंदर जो जानवर बैठे हैं उनका पेट तो भरता नहीं, इस सड़क के जानवर को कैसे खिलाऊंगा। अरे बाबा घर के जानवर तो मांगते हैं ना, ये बेचारे लीडर तुमसे क्या मांगता है, है? और फिर क्या तुम खिलाते उसको, मैं अपने हिस्से में से खिलाती हूँ। अरे बोलो, अरे सुना तुमने, इसे अपने भाई बहनों की तो चिंता नहीं है, इस साले सड़क पे बैठे कुत्ते की चिंता है। छोड़ो उसे, बच्ची है। बच्ची है, अरे अगर ठीक वक्त पे ब्याह गई होती ना तो दो चार बच्चों की माँ होती। बच्ची है, ये ले पकड़ 5 रुपए। इन 5 रुपए में क्या होगा इतने बड़े टब्बर का, बाजार इतना महंगा हो गया चखने को पूरा नहीं पड़ेगा। अरे तो क्या करूं, मर जाऊं, जब से पैदा हुआ हूं तब से साली महंगाई बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ती नहीं। रिक्शा का भाड़ा देता हूं ताकि तुम लोग भूखे ना मरो, और इस शरीर के घोड़े को खिलाता हूं ताकि गाड़ी चल सके। बटर 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 करती जा रही है साली। मामा 10 पैसे देना। क्या 10 पैसे, इसी से दाल रोटी बनानी है मुझे। मामा उसे पैसे दे, मुझे भी देना। अरे तुम भी पैसे लोगे तो खाना कैसे बनाऊंगी। मामा मुझे भी पैसे दो ना, तेरे को चूल्हा नहीं जलाने का क्या। अरे अरे मां मां मुझे भी 10 पैसे दो ना। तू ही रह गया थले। अरे आओ आओ, तू भी ले जा। 5 रुपए में इन बच्चों को एक वक्त की रोटी नहीं दे सकती, कैसे समझाओ बच्चों के इस बाप को। अरे अम्मा ये बाबा के सारे नाम जी रहे हैं, नाम जी सकेंगे, तू चिंता मत कर, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी, ठीक है। हाँ आज नगद कल उधार। हाँ। कल भी आया था यही लिखा हुआ था, आज भी आया हूँ यही लिखा हुआ है रानी, क्या मतलब। इसका मतलब ये है तेरी खोपड़ी खाली है, जब इसमें अक्कल आ जाएगा तो ये कल आएगा। देख रानी मुझसे अकड़ने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो रानी से कहानी बना दूंगा, समझी। अबे ठीक है, रानी को धमकाने आया है क्या। तमीज से बात कर रानी, नहीं तो। नहीं तो क्या, तेरे बाप से भी आई सच बात करूंगी। हाँ तू कौन सा खेत का मूली है रे। मैं खेत का मूली नहीं जंगल का बांस हूँ, बांस। इस इलाके में रहना है तो मुझसे झगड़ा नहीं चलेगा, समझे। जा जा, रानी का एक हाथ पड़ेगा ना तो बांस से बांसुरी बन जाएगा और बच्चे बजाते फिरेंगे तेरे को। क्या बात है रानी, सबकी जानी, आज नथू बड़ा गुस्से में गया है। अरे छोड़, ऐसे दादा लोगों से मैं डरने लगी ना तो ये दुकान की जगह कोई ना कोई मकान बना लेगा। हाँ बोल क्या दूं। एक बटाटा बड़ा, 2 पाव और 1 मच्छी फ्राई। क्यों रे, घर में तो दाल बनता है पानी का जैसा, तू इधर आके बटाटा बड़ा मच्छी पाव ये सब कुछ खाता है, कभी अपना बीवी के बारे में सोचता है क्या। वो तो खाली सोने के लिए चाहिए तेरे को रात को। अरे जिंदगी एक लंबा सफर है रानी, उस दिन का किस्सा सुन ले। मैं सुंदर के होटल में चल के गया, मुर्गी की बिरयानी लाया, बड़े प्यार से मैंने उसके हाथ में रखी, पता क्या किया बावली ने, सारे बच्चों को बुला लिया, हवा में उड़ गई बिरयानी और हाथ में रह गए पत्ते। अरे तू तो मर्द है जनक, सबको भूल कर अपना पेट भर सकता है, लेकिन वो तो माँ है, सब बच्चा लोग को खिला कर तो वो खाएगी। ओफ, उसकी सहेली है ना, तरफदारी तो उसी की करेगी। अयो नहीं नहीं कहते हैं नको, आपको तो रोज सुबह होना कहते हैं। अच्छा जाने से पहले देते। देखना जी चुम्मा लेके कैसा इतरा लेते हैं कहते मेरा चिकना। ए शीला, अयो विलन लोग 2 मिनट प्यार भी नहीं करने देते कहते, तुम इधर ही रहना, मैं रात को आती ना। अयो जानकी, सौ दफा बोली कि शीला के नाम से मेरे को नहीं बुलाना, अब मैं मेरा नाम बदल ली हूँ, अब मेरा नाम जया रख ली हूँ, जया बोलना। ये अमिताभ ने तेरे को पागल बना के रख दिया रे। देख ये तेरा क्यों जल गया, बोल देती हूँ ये मेरा उसका प्राइवेट लफड़ा है कते। हाँ लेकिन तू यहाँ कैसे आई कते। काम के लिए। हाँ ये तेरी अम्मा कैसे निकलने दी। क्या करे, बाबा जो देता पूरा नहीं पड़ता, भैया तो चला गया, बाकी कोई कुछ नहीं देता, मैं ये सोचा दाल रोटी के लिए मैं ही कुछ जुगत करूं। तू क्या जुगत करती कहते। शीला मैं ये सोचती मैं तेरे साथ रद्दी उठाने का काम करूं। हो सो तो ठीक है, मगर उसके लिए यूनियन का मेंबर बनना पड़ता ना। है क्या बोलती तू, सड़क से रद्दी कागज उठाने वालों का यूनियन है। हाँ, और रीला के बटे हुए कहते हैं। क्या करना पड़ेगा। 1 रुपए दाखिले को देना और 8 महीने को फीस। अम्मा सुन,
क्या हुआ? सुन, वो ना, मैं कल से वो अपनी शीला है ना, हाँ? उसके साथ रोज सड़क से रद्दी उठाने का काम करूंगी। उठाने का? हाँ, दिन के 2-3 रुपए मिलेंगे। हाँ? वैसे भी अम्मा मैं घर में दिन भर बैठी रहती हूँ ना। लेकिन धूप में घूमेगी? अरे छाव में खाली पेट बैठने से अच्छा है धूप में घूमकर खाना नसीब हो जाए। हाँ? छोड़ेगी ना, जाओ जा, जा। अरे अम्मा सुन, क्या हुआ? वो क्या, उन लोगों ने जूनियन बना के रखी है। हाँ, तो मेंबर बनना पड़ेगा। हाँ? और वो क्या है, वो मेंबर बनने को ना 1 रुपया देगी। हाँ दूंगी दूंगी, चारा ही क्या है दूसरा। ओ जानकी, वो बर्तन रखे मांझ के रखना। हाँ मालिक, पार्टी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 हेलो हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। अरे क्या करीम भाई, हर वक्त देखो माइक टेस्ट करते रहते हो। अरे जब मालिक का अपना माइक काम नहीं करता ना, तो इनो नाजुक वक्त पर जनता का माइक टेस्ट। जय हराम के पोटे, मेरी खा को मेरी थाली में छेद करता तू। ज्यादा बातें करेगा ना, एक मारूंगा मुंडी 6 दिन तक घूमती रहेगी, पकड़ के घुमाता रही चक्के को। अरे करीम भाई नया बोर्ड, वाह क्या साइकिल डिस्पेंसरी। हाँ, डॉक्टर साउंड करीम हैदराबादी स्पेशलिस्ट पेंटिंग पेंचरिंग। और ये ओ क्या है भाई? ओ वाह 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 ओवरहॉलिंग। किसना किसना, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, रुको मत, चलो। किसना किसना, रुक जा बेटे। क्या है माँ, यूं रास्ते पर क्यों चला रही? चिल्ला नहीं रही हूँ, अपने बेटे को बुला रही हूँ। जल्दी बोल क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। नहीं नहीं रुक, मैं भी आ रहा हूँ ना तेरे साथ। जल्दी बोल माँ क्या चाहिए, वो ज्यादा देर धूप में खड़ी नहीं रह सकती। बोलना क्या है, तेरे भाई बहनों ने बहुत दिनों से तुझे नहीं देखा है, वो बहू को लेकर एक दिन घर क्यों नहीं आता? घर? उस झोपड़पट्टी में कौन आएगा? अरे ये झींगिया क्या बोलता है रे, झोपड़पट्टी। अरे ये झोपड़पट्टी में तो तू पैदा हुआ, नाक बहता था, नंगा घूमता था, आता ये झोपड़पट्टी में आने को तेरे को शर्म आता है क्या? तुम्हारी माँ ने जानबूझ कर इस औरत को यहाँ बुलाया नाटक करने के लिए। आगा एक सटवाए जवान को संभाल, रानी को कोई बुलाता नहीं है, जिधर भी छोटे लोग का जवान जास्ती लंबा हो जाता है, अपन खुद ही पहुंच जाता है क्या? तुम चलते हो या मैं जाऊं? जाने के लिए तो सभी चाहा, तू भी जाएगी एक दिन। क्यों रे, जिसने मर मर के तेरे को कमाने को सिखाया, तू उस चीज को भूल गया क्या? आज कमाने लगा तो हाँ हाँ बहुत कमाने लायक बना दिया है, बीए पास करवाया है, सरकारी दफ्तर में नौकरी दिलवाई है, और अब हर महीने ढेर सारे पैसे जो कमाते हैं। ये देखा देखा तूने रानी कितना जहर भरा इस लड़की के बातों में। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे ये सच्ची तेरी बहू है, किशन शादी करके लाया था थोड़ी इसको, ये तो रखेल है रखेल, इसको क्या मालूम इज्जत क्या है। ये है कौन जो कुछ भी बके जा रही है, और तुम चुपचाप खड़े सुनते जा रहे हो। अरे ओ चिमगादड़, वो तेरी सास है कुछ भी सुन लेगी, मेरे मुंह लगेगी ना तो खाल खींच कर रंडी बजा में उल्टा टका देगी। देख रही रानी तू, देख रहे हो ना क्या इनाम मिल रहा है मुझे तुमसे शादी करके, किसी से कुछ भी सुनना पड़ता है। देख रानी, अब की एक भी लफ्ज और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा, बता देता हूँ। हाय जोरू का गुलाम। अरे ये कबूतरी तो आज तेरे बगल में सो रही है, वो दिन भूल गया जो उसकी बगल में सोकर चटाई गीली करता था क्या? मैं पूछती हूँ सड़क पर खड़े खड़े कब तक इसकी उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ेगी? तेरा बाप भी सुनेगा, ये तेरा खसम है ना, इसको हम ही नहीं पाला है। हाँ? रानी अभी बहुत हो गया समझी, अब की एक भी लफ्ज और बोला ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है समझी, ना उस घर से, ना माँ बाप से, ना भाई बहन से। चलिए चल हम चले। ए, क्या हुआ, रोती क्यों है? हा? रोना नसीब में तो कोई क्या कर सकता है। अब क्या हुआ? तेरे भाई ने ऐसा रंग बदला है कि काट खाने को आता है। तू उसके घर गई थी क्या? नहीं रे, तो रास्ते में मिला था, देखकर दिल भर आया, सोचा उसकी खबर लूं तो बातें करूं, मगर अब छोड़ ना अम्मा,
एक बार दिल से उतर के आप क्या रोना है? मैंने उसे जन्म दिया है। तो फिर रो, ममता इतना जोश मारती है ना, तो सहती बैठ, सिर्फ जूते खाने बाकी रह गए, वो भी खा के आ जा। किशन बुरा नहीं है, उस लड़की ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। वो जब छोटा था ना तब मुझे कहता था, माँ मैं काम करके तुझे खिलाऊंगा, तेरी सेवा करूंगा, चाहे मुझे रिक्शा ही क्यों ना खींचना पड़े। अरे वो क्या खींचेगा रिक्शा, उसे तो टूटे रिक्शे की तरह खींच के ले गई वो छुड़ैल। जाने दो ना, उसे मत कोसना। वो चला गया तो क्या हुआ, मेरा कुंदन है, मेरा पाछी है। अरे उनके लक्षण मैं जानती हूँ, अम्मा वो हम दोनों की नीलामी करेंगे, तेरी और मेरी भी। ऐसा मत कहना जानकी, कुंदन तो ट्रेनिंग ले रहा है मकानिक की। मैकेनिक की? अरे मैं जानती हूँ उसकी मैकेनिक की, वो जो कर रहा है ना तीन का पाँच। कोई टिकट नहीं है, कोई टिकट नहीं है, असल का बोर्ड नहीं दिख रहा। देख लीजिए, चल खींच। मैं कह रही थी जल्दी चलो, लेकिन तब तुम्हें माँ का प्यार उभर आया था। धक्का मत, मैं तुम्हें कह रही थी जल्दी चलो, लेकिन तब माँ आई। अरे किशन भैया, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? शो शुरू होने वाला है, दूं क्या दो टिकट? अबे शर्म नहीं आती तेरे को साले, काला धंधा करता? अरे धंधा काला हो सकता है मगर रुपया नहीं। जल्दी बोलो, मेरा दूसरा ग्राहक तैयार है, दूं क्या दो टिकट? हे भगवान, आज का दिन बड़ा ही मनहूस है। ऐसे लोग चाहे अपने हो या पराए, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, लोग देखेंगे तो कितनी बदनामी होगी। चलो। अरे ये फिल्म क्या कहती है, घर एक मंदिर, भाभी को दिखा दो, हो सकता है इसी से कुछ सुधर जाए। 50-50 पैसे कम कर दूंगा, बोलो देखनी है क्या? कम कर रहा है, देख ले क्या? सड़क पे खड़े खड़े ये सब कुछ देखने के बाद और कुछ नहीं देखना है मुझे। चलो जाओ, तीन का पाँच, तीन का पाँच, तीन का पाँच। गुजारे मुताबिक रोजी रोटी मिलती जाए, यही आशीर्वाद दो माँ। ये का टाइम है क्या आने का, कब से इंतजार कर रहे हो? वो पहला दिन है ना, माँ के दर्शन करने मंदिर गई थी। अच्छा अच्छा, धूप चढ़ गया तो जमीन में पाँव डालने को होता नहीं, ये ढोल में डाल ले। चल ढोल मेरा है तेरा, अगर चल गए। अरे छिनाल ये इलाका हमारा है, चल जा रहा है इधर से, चल जा रहे तो गुजर दूंगी। चल काय को चिल्ला दिया, झगड़ा नहीं किया तो काम नहीं होता जी। अब खड़ी कार जल्दी शुरू कर। क्या रे, इधर कोई कागज ही नहीं है, इतनी आसानी से मिलता क्या? पहले तो सिर्फ गड्ढा लोग खाते थे, अब सभी जानवर कागज खा लेते करते हैं। एक दिन आएगा ना, सब आदमी लोग नमक मिर्च लगा के कागज ही खा लेंगे। अरे इससे पहले जल्दी उठा ले, चल आगे देखते। चल रे, अरे जानकी चल रे, एक आधा आधा कप चाय मुँह में डाल लेते। चल इधर ही डाल दे, डाल रहे इधर। शीला मेरे पास पैसे नहीं है रे। अयो चाय पीने का तो दिल करता है ना? वो तो करता, पैसे का क्यों फिक्र करती रे दीवानी, जब मैं साथ में रहा तो किसी बात का फिक्र नहीं। अरे अरे ये कोई लेके तो नहीं डाल रहा, कोई हाथ लगाया तो? अरे मलबार ये एक सिंगल टी डबल करके। अच्छा सिंगल को डबल करके दे रहा? अरे मलाई मार ये जाने की, ये बिस्कुट का दिखा ये वाला नको। सिंह भाई, हे जानकी, सिंह भाई, सिंह भाई, ए देख कौन है? उन्हें ट्रक ड्राइवर है, मेरा भाई उनका निश्चय काम करता ना, बड़ा आदमी। तेरे को सब पैसे वाले बड़े लगते, मेरी अम्मा कहती है बड़े आदमी ही छोटे होते। नहीं रे जानकी, इन्हें ऐसा नहीं। नमस्ते सिंह भाई। क्या हाल है शीला तेरे? अच्छा है। सड़ा पुरुषोत्तम, की हाल चाल है तेरे? तेरे क्या हाल है? आपको देखने क्या अंखियां तरस गई ना? कुछ नहीं शीला, बस माल लाद के लंबे सफर चला गया था। चाय पीते क्या? हाँ छकला छकला, ठीक है मलबारी, जल्दी पकड़ ला मुझे चाय ले। चाय के साथ कुछ और भी खा ले, इंजन में पेट्रोल के साथ साथ तेल भी डालना पड़ता है। अब आटाने में क्या क्या डालना कहते? ओए अपनी अठानी अपने खीसे में रख, जो मर्जी खा ले, पहले मैं दे दूंगा। अरे एक काम करे, जब तक खाली सब हाथ में ला, पॉकेट में मिल रहा है ना? तू पॉकेट में दे रहा है क्या? ओए नई हेडलाइट कौन है तेरे साथ शीला? इन्हें इन्हें मेरी सहेली है जानकी। अच्छा अच्छा, आज से इन्हें भी मेरे धंधे पे चालू हो गए ना। वो क्या है ना, रात को घर में चूल्हा जलना बोल के दिन में धूप में इसको जलना पड़ता है। छोड़ डाले गिर जाएगा ये लगा। क्या नाम है इसका? जानकी। शर्मीली है। ओए खाने में शर्म नहीं करते जानकी? अरे भैया बोलता खाना रे। हुँ?
ओ जा पहर की लगी, कहती भाई है ना, चल पहर दे दूंगा। अयो भाई मैं आपको एक बात बोलना भूल गया, तो क्या है ना मेरा भाई इतना पैसा कमाता घर में एक रुपए भी नहीं देता, आप कुछ बोले तो होता, आप इसे डरता कोई नहीं, ना। कोई नहीं अभी बच्चा है, चल जा समझा दूंगा। नमस्ते, चल गए, चल रही। देख कर पैक कर बेवड़े, आज तेरा पत्ता नहीं चल रहा है। ही? नहीं नहीं यार, आज तो खेलना ही पड़ेगा, कल सारी पगार हार गया, इसीलिए आज घर नहीं जा सकूंगा जीते बगैर। किसी डॉक्टर ने कहा था क्या, हार गया तो जाकर सो जा किसी प्लेटफॉर्म पर? अबे चुभे अंगूठे छाप एक हाथ दूंगा तो माँ की गोद में वापिस चला जाएगा। ऐसे बुरे दिन आ गए, ऐसे ऐसे अंगूठे छाप चला दे रहे। पर भैया पैसे बगैर जीवा नहीं हो सकता है। पैसा पैसा चलो बीवी की चूड़ी लाया हूँ। वाह शकुनी के माँ, आज चूड़ी दाव पे लगाई है, कल चूड़ी वाली को दाव पे लगाना। ओए उल्लू के बट्टे, महाभारत कर जाके खोल, खोल इसको। ताश वक्त गुजारने का साधन है, कर बर्बाद करने का नहीं। जी क्या छोड़ी जी सब बहुत अच्छा किया उस्ताद, ऐसो का तो यही इलाज है। ओए मुंडू, ओए तू जानकी का भाई है? आपको कैसे पता चला? ओ शीला के साथ रहती है ना? हाँ हाँ रद्दिका तो चुनती हो शीला के साथ। ओए गाल सुनाई तेरा, तू कमाता है घर में पैसे देता है कि नहीं? हाँ हाँ यहाँ के लोग जैसे 100-100 के नोट दे देते हैं ना, मुझे पूरा नहीं पड़ता पैसों की बात करते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया सरकार। कहाँ चलूं? पहले सीधे फिर मंडी बाजार। ठीक है आइए बैठिए। मर गया सरकार, आप उस रिक्शा पे आ जाइए, अबे कालिए सवारी ले जाइयो। मैं तो मर गया, मेरा तो गला ही घोंट डालेगा आज। क्या बात है जनक? अबे आहिस्ता बोल घोचू, अगर उसने देख लिया तो मेरी जान को आ जाएगा। कौन भिखारी? अरे 10 रुपया नहीं मांगता, 5 रुपया नहीं मांगता, 2 रुपया 1 रुपया नहीं मांगता, अरे 50 पैसे 5 पैसे नहीं मांगता, 15 घर से 15 थैली चावल का सवाल है बाबा। जो देगा उसका मालिक भला करेगा, और जो नहीं देगा उसकी माँ को कुत्ता काटेगा, बिच्छू काटेगा, अरे सांप काटेगा। अबे यहाँ खड़ा होके क्यों मरवा रहा है अपनी माँ को सांप से? ये ले थैली और जा बाबा के लिए जाके थैली चावल लेके आ। अरे भाई सुन लो, चालर वाले बाबा सिर्फ बासमती चावल खा रहे हैं। अच्छा बहुत खतरनाक भिखारी है। या हाजी मलन दूला, अरे जन्नत में तेरा झूला। अबे चरण इधर आ, बाबा के हाथ के ऊपर 5 पैसे डाल रहे हैं। क्या जरा आगे फाड़ कर देख, बाबा के उंगली में असली हीरा है, और वो भी 50,000 का ब्लू डायमंड। देख गज करण, हम फकीरों की यूनियन का उसूल है कि कोई भी भीख देने वाले जैसे 50 पैसे से कम नहीं लेते। अगर तुझे देना है तो 50 पैसे दे, नहीं तो अपने पैर पकड़ और फुट। मैं इसे ज्यादा नहीं दे सकता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ। अबे
तो फिर तू हम फकीरों की यूनियन क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? हैं? फकीरों को भी यूनियन होती है? अरे नरीमान पॉइंट पे एयर इंडिया की बिल्डिंग के नीचे हमारा एयर कंडीशन ऑफिस है, जिधर एयर नहीं है सिर्फ इंडिया है। बाबा लाया चावल। चावल लाया बेटा? एक काम कर, ये चावल की थैली लेकर मेरे साथ में चल और बंगले तक पहुंचा दे। अच्छी बात। रूपा, ए रूपा, रिक्शा आ गया, जल्दी जा। हाँ माँ मैं जा रही हूँ। जिंदगी एक लंबा सफर है और सिक्के हैं छोटे छोटे। मेम साहब, आप चुपचाप क्यों हैं? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ अगर बॉडी ठीक नहीं रही तो आप काम कैसे करेंगी? बीमार पड़ गई तो? तुम समझ सकते हो, वो मेरी माँ के समझ में नहीं आता। छी, कैसा स्वभाव है उसका? उसके स्वभाव में लालच ज्यादा और स्वभाव कम है। आप ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? इस शरीर को पाल पोस कर माँ ने बड़ा ही इसी काम के लिए किया है। और फिर जिसको इस पैसे का चस्का लग जाता है ना जनक, उसे फिर दूसरा पैसा अच्छा नहीं लगता। घबराइए नहीं, आपके दिन बहुत अच्छे आएंगे। हाँ ठीक है, तुम कल मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लेना। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे तुम? हेलो, ठीक है मैं कल मिलता हूँ तुमसे। ओके बाय। कब आए? आज ही, एक टेंडर भरना था। तुम्हें कैसे पता चला मैं आया? पता होता तो तुम्हारे लिए आ जाती, पर अभी तो। लो, कर दिया ना मायूस। सॉरी, पर भगवान ने सिर्फ आज ही नहीं, कल भी बनाया है। कल आओगी? ये भी कोई कहने की बात है क्या? कल रात मैंने तुम मेरे साथ बुक्ड हो। ओके। अजी हमें भी बुक कर लीजिए। ठहरो मेरी जान, अंदर तो तुम बाद में भी जा सकती हो, हम तुम्हें डबल पैसे देंगे। चलो चलो। हमारे पैसे में क्या खोट है? सिर्फ नियत में तो खोट है। तुम भी तो कोई सती सावित्री नहीं, धंधा करती हो, तो हमारे साथ क्यों नहीं? चलो मेरे साथ। तुम कौन हो कबाबे हड्डी? मत भूल वो भी एक इंसान है। इंसान होगी तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो चीज है, चीज। दोबारा ऐसी हरकत की ना, पुलिस में दे दूंगा, समझे? सुनो। क्या चाहिए? वो बहुत सरदर्द हो रहा है, एक कप चाय मिलेगी? सरदर्द है तो काफी पी लो। मेरे पास काफी के लिए पैसे नहीं, कल दिए तो चलेगा? अरे कोई बात नहीं, अरे स्पेशल काफी लो। स्पेशल नहीं, सादा होना। सादा से दर्द नहीं जाएगा, स्पेशल पियो स्पेशल। ए कॉफी। एडा एबड़ा कड़ा। कल ही चाह पी रही, चल नाश्ता कर। नाश्ता भी उधर? उधर? ओ अच्छा अच्छा, ओ आजा आजा, चल नाश्ता कर, आजा। नहीं मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, पैसे इसके मुझसे ले ले। नहीं नहीं इनसे नहीं लेना पैसे, मैं कल दे दूंगी। हां ओए क्या बात है, ओए तू घबराती क्यों है?
ओए एक कप चाय की तो बात है। ओए पुरुषोत्तम सिंह, एक कप चाय के पहले देने से गरीब नहीं हो जाएगा? नहीं सर। तो क्या हर बात में नहीं? अच्छा बाबा ले लेना इनसे पैसे। ओए चलो एक कॉल उठा चाय भेज। बाबा 10 पैसे दो ना। बाबा चाहिए पहले बीड़ी सुलगा के ला, तब दूंगा 10 पैसे। ले बाबा अब देना 10 पैसा। 10 पैसे साले, मैं तो ये फूटी कौड़ी ने लूं। क्यों रे? अबे एक बीड़ी तो तुझसे सुलगती नहीं साले, क्या करेगा तू दुनिया में बड़ा होकर? चलाई जी बाबा, आग से छुआ कर लाया हूं। अबे छुआने से काम नहीं चलता मेरे बाप, छुआ कर कश लगाने पड़ते हैं। देख ऐसे तक नाक और मुंह से धुआं नहीं निकले तब तक समझो बीड़ी नहीं सुलगी। ले पकड़ बीड़ी, क्या सुलगा कर चल। इतनी सुबह में बीड़ी पीता है? मत मार, बाबा ने बोला ऐसे करने को। बाबा ने बोला? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। चल बाबा, चल। बाबा दीदी मार रही है बाबा। चलो बीड़ी नहीं लगा। मार क्यों रही है? अरे बाबा देखो अकल है नहीं? इतने से बच्चे को बीड़ी सुलगाना सिखा दिया। अरे तो क्या हुआ, क्या मुसीबत आ गई है? मुसीबत? अरे जो बड़ा होकर तेरी बीड़ी चुरा के पिया करे तब तेरे को पता चलेगा। अरे नहीं, कुंदन तो बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने भी जाता है, बड़ा होकर यही तो मेरा ख्याल करेगा। हाँ इसकी पढ़ाई के सपने देखते रहे, स्कूल भी जाता है ये नहीं, कुछ 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 नहीं। क्यों बेटा, दीदी कह रही है तो स्कूल नहीं जाता है? माँ कसम जाता हूँ बाबा। अरे माँ की कसम खा रहा है, अब तो मान जाओ। हाँ हाँ जाता है, मगर दोपहर के टाइम जब खाने वाली गाड़ी आती है। नहीं बाबा, जब मैं जाता हूँ तभी खाने वाली गाड़ी आती है, तो मैं क्या करूँ? हाँ जब ये जाता है तभी खाने वाली गाड़ी आती है, तो फिर ये क्या करे? ये बेचारा, और जब खाने वाली गाड़ी लौट जाती है फिर वापस आ जाता है। क्या बाबा, वो मेरी किताबें खो गई ना, तो टीचर मुझे क्लास में नहीं बैठने देती, तो मैं क्या करूँ? हाँ इसकी किताबें खो गई है, टीचर कैसे बैठने देगी क्लास में? अरे सुई तरह मैं तेरे को किताबें खरीद दूंगी, फिर जाएगा ना स्कूल ठीक से? फिर जाएगा ना स्कूल ठीक से? तुम यहाँ रुकोगे या जाओगे? मेम साहब यहीं रुकता हूँ, घर जाकर भी क्या करूँगा? ठीक है मेम साहब, कमरे में ज्यादा हो तो थोड़ी अपने लिए भी लेते आइएगा, वो रात जरा चैन से कट जाएगी बस। अच्छा अच्छा। कौन? अरे दरवाजा खोल भगवान, तुम्हारे परमेश्वर आए हैं। तुम आज फिर पी कर आए? ऐसा क्यों कहती हो, यूं कहो कि हम आज एक और दिन जी कर आए हैं। बच्चों के खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, शराब के लिए है। मेरी जान, आज मैंने खरीद कर नहीं पी है, मांग कर नहीं पी है, छीन कर नहीं पी है। आज तो चकाचक। हाँ हाँ मालूम है, थोड़ी दाल और चावल रखे हैं, लाओ। छी पहले घर बच्चों से भरा हुआ है, तुम सो जा। अरे तू आती है कि नहीं? नहीं तो मैं जाऊँ किसी और के पास। अच्छा बाबा आती हूँ, भूत सवार हो गया तुम पर। अरे बाबली ये भूत नहीं है, ये तो कामदेव की कृपा है, कामदेव की। नहीं आने उंगली मरोड़ी रे। नहीं रे कोई भी नहीं कहते, चल इधर ही बैठते। अयो ए ठीक दरिया में डूबेंगे मर जाएंगे,
धिंताना धिंताना ताना धिंताना ताना तनाना। दिल ले गई हमसे छुड़ा कर बल्के जान भी, और दर्द दर हमको मिला हाँ दर्द का अरमान भी। हाँ जीना तो मेरा किस कदर मुश्किल किया, और किस कदर है कर दिया आसान भी। पार चली नजर कटार चली नशा उतार चली चली वो यार चली। धिंताना धिंताना ताना तनाना धिंताना धिंताना तनाना तनाना। शहरों की गलियों में मर जाएंगे काम, लेकिन अपना तो कर जाएंगे। धिंताना धिंताना तनाना तनाना धिंताना धिंताना। किस्मत में मेरी फिर वो चेहरा देख लूं, जिस जगह वो कल मिली थी जाके वो जगह देख लूं। हाँ ए मेरी मालिन मुझे आने दे अपने बाग में, फूल चाहे मुझको ना दे पर नजारा देख लूं। मेरे सनम है बहुत तेरी कसम है बहुत, ये आँख नम है बहुत लबों पे दम है बहुत, तेरा करम है बहुत तेरा सितम है बहुत। धिंताना धिंताना तना तनाना तना धिंताना तनाना तनाना। शहरों की गलियों में मर जाएंगे काम की लपना तो कर जाएंगे। धिंताना धिंताना पे। अरे तो क्या हुआ, काम ही तो कर रही हूँ ना, तेरे तरह झूठ बोलकर भीख तो नहीं मांगती। आज सारी दुनिया भीख मांगती है लेकिन भीख मांगने के ढंग अलग अलग है। कोई टेबल के ऊपर से मांगता है तो कोई टेबल के नीचे से, लेकिन ये झालर वाला बाबा खुला खुला लेता है लोगों से भीख। तेरा बाप जो रिक्शा चलाता है ना, वो भी मेरी है। क्या बोलता रितु? सच्ची बात बोल रहा हूँ साले, एक तो मेरे रिक्शे के पैसे नहीं देता और ऊपर से रिक्शे में जो भी कमाता है वो दारू में घोल के पी जाता है। ये जितने झोपड़पट्टी वाले हैं ना, इनके बदन के अंदर सिर्फ बेवड़ा मिलेगा, अरे खून का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। अगर 10 साल तक इसी तरह हिंदुस्तान में चलता रहा तो हिंदुस्तान में सिवाय झोपड़पट्टी के और कुछ नहीं मिलेगा।
और तेरे जैसे निकम्मे लोगों की वजह से भिखारी लोग नहीं बढ़ रहे क्या है? ए साली, बाबा को निकम्मा बोल रही है। अबे ए साढ़े तीन फुट, इधर बोलो बाबा, इधर बोलो। वो सच बोल रही है। अमिताभ बच्चन का माल है, उन्हें देखे तो उड़ उड़ कर ड्राफ्ट की कम आता रहे। अरे बाहर चले। चिकना 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 सर 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 देखो ना सर। अरे आने दो आने दो आने दो। सर सर कौन कौन है यहाँ? सर आप हमको बहुत पसंद, वो आपका क्या वो सर? हाँ सर, वो आपका हाथ जल गया ना? हाँ वो जरा दिवाली पे जल गया। सर आपका हाथ क्या जल गया, हमारा जान जल गया, हम तीन दिन तक खाना नहीं खाया, भगवान कसम। सर सर अरे ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, नहीं, नहीं, कुर्सी पे। सर आपका पिक्चर, मेहनत का पैसा, हम बैठ को खाना नहीं खाता, आपका पिक्चर देखता, आप हमको बहुत पसंद सर। सर वो गड़गांव का वो खड्डी है ना उधर, क्या नाम है तुम्हारा? नाम जया। नहीं नहीं सर, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, जाते सर। अपना क्या रखते हैं? मार क्यों रही है बच्चे को? बच्चा? अरे इसके तो सिंग निकल आए, बीड़ी पी रहा था तेरी। क्यों बे? तेरी दीदी क्या कह रही है? माँ कसम बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। माँ कसम, कितनी बार बोला तेरे को ऐसी बुरी आदतें मत डाल। एक ही था जिससे उम्मीद थी पढ़ लिख कर कुछ होगा, वो भी गया काम से। लो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मामा भूख लगी, कुछ खाने को दो। दाल रोटी रखी है, खा लो। ये भी कोई खाना है? रोज रोज दाल रोटी खाऊंगा गला बैठ जाएगा, फिर काम पे जाऊंगा बोल नहीं पाऊंगा। कौन से हाफिस में जाते हो रे, जहाँ जाते हो वहाँ गूंगे रहना ही अच्छा है। चुप कर रहे तू, चुप। मेरे अच्छे भैया घर में आके सिर्फ मांगना ही सीखा है, कुछ देना भी तो सीखो। ले होशियारी मत मार, ये ले मार रुपया और मेरे लिए आमलेट बना दे। एक रुपए में आमलेट? अरे तो बिरयानी और भेजा फ्राई भी ऑर्डर करना। ए माँ इससे बोल दे मेरे मुँह मत लगे, वरना एक दिन वो मारूंगा की जाने देगी। क्या करते हो बाबा? अम्मा तेरी तरफदारी से सब आवार और लोफर बन गए हैं। इसका बाबा ही घर को ठीक तरह से नहीं देखता तो बच्चे कैसे देखेंगे? भगवान न करे अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें इन सबको देखना पड़ेगा, और कोई नहीं है देखने वाला। मुझे तो सिर्फ फिक्र है इस लूली बेटी के लिए। अरे अम्मा तू फिक्र मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ ना ये लूली क्या तेरे कोई भी बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। ए, मेरे को देना। अरे सिक्के हैं छोटे छोटे, अपना घर कहाँ गया भाई? घर कहाँ गया अपना? ये रहा मेरी जान जिगर के छल्ले, दरवाजा खोलो भाई। कौन? दरवाजा खोलो ना, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये घर भी मेरा है और तू भी मेरी है, चल। अरे आजा मेरे बड़ाते चिकन मेरी। hey, जान। hey, hey! पीके आके मेरे भी हाथ उठाता है। अबे साले बबुए, तूने पी रखी है क्या? ये मेरी बीवी है, तेरा इसके साथ कोई लफड़ा है क्या? ए, तेरा लफड़ा तो मैं भी बताता हूँ। जानकी की माँ, जानकी की माँ, क्या हुआ? देख जानकी के बाप ने क्या धमाल मचा रखा है। क्या क्या? ओ जानकी इन्होंने मुझे पकड़ा थोड़ी है, ये तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बुलाया चाय के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चल।
मामा मेरा बाप जो है ना वो एमएलए और मैं इलेक्शन राजन साहब चल साले जय चल भूल भूल चल 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 अरे रोती काय को है अब चुप हो जाना देख रानी के पास जा मैं अभी आई हाँ जल्दी जल्दी संभल के रहना मामी हा? रानी किधर है वो डांडा गई है उसकी मौसी की चचेरी बहन की देवरानी के लड़के की लड़की क्या हुआ अरे अम्मा रानी तो बाहर गाँव गई तो आओ पाना लेके कसना माटी में आपकी पार्टी का घर में पंचर हो गया जानकी के घर में हाँ हाँ जानकी के घर में उसके बाप ने दारू पी के खूब धमाल मचाया पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई है अब आपकी पार्टी अपनी माँ के साथ जमानत के लिए भीख मांगती फिर रही है मालिक अच्छा मौका है कहो तो रिपेयर कर डाले तू इधर देख के क्या रिपेयर करेगा माटी मिले तू जा जा काम कर तू अच्छा काम कर ढूंढेंगे अभी जानकी अच्छा ए, ए, देखो देखो साइकिल वाला बुला रहा है अरे ये उल्लू ते, तेरे बाबा की जमानत का कुछ बंदोबस्त हो जाए जाओ ना माँ जाओ जा। मैं अभी आई क्या है या पोटे क्या आधे घंटे से छोटी साइकिल खोल के बैठा है एक घंटे में बड़ी साइकिल खोल पोट जब भी देखती है ऐसे घूर घूर के क्या देखती मैं क्या तेरे काम नहीं आ सकता कभी अबे उल्लू बोल ना अब मैं सुना हाँ। तेरे बाबा को अंदर कर दिए बोलते ही तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या जब भी देखती है ऐसे गुस्से से देखती है एक दफा मुस्कुरा को देख ले मैं तेरे बाबा की जमानत अब बेच कर देता ना मेरे को नहीं चाहिए तेरी मदद पुलिस का लफड़ा है कोई नहीं आता मदद करने को तेरा बाप है ना बुड्ढा जेल के अंदर सड़ता रहता तेरे से ज्यादा थोड़ी मांगता हूँ मैं खाली मुंह खोल को हाँ बोल दे उत्ताच वसूल करने को जिंदगी पड़ी ना मेरी जिंदगी पड़ी है अरे इससे अच्छा है मेरा बाप जेल में सड़ा पड़े और तेरे ऊपर ना बिजली गिरे हाँ बिजली तो तुम्हें गिरा को चल दिए अभी क्या मालूम सावन की तरह बरसेंगे कभी तुम हम लोग कुछ नहीं कर सकते एक बार कह दिया 100 बार कहूंगी जब हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया तो घड़ी घड़ी क्यों चले आते हैं ये लोग किसना 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 तेरे पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई है हाँ तो अब रास्ते में दारू पीकर दंगा करेगा तो पुलिस और क्या करेगी ठीक है वो पिए हुए थे लेकिन वो तेरे पिता है उनकी जमानत के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या बिल्कुल नहीं अगर किसी को पता चला कि तुम्हारा बाप दारू पीकर दंगा करते हुए पकड़ा गया तो तरह तरह की बातें होंगी तुम जाओ अंदर किसना किसना सुन बेटा किसना 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 कुछ कुछ कर बेटा तू जा यहाँ से मान नहीं तो उसका मूड और खराब हो जाएगा शाबाश बेटा सुखी रहो खुश रहो अरे तेरी जगह पत्थर को जन्म देती तो वो भी मुसीबत के समय काम आ जाता कम से कम सर तो फोड़ सकती थी उससे सुना है तेरे बाप को आज पुलिस पकड़ ले गई तुम्हें क्या तकलीफ चाय पियो चाय और क्या हुआ तेरे बाप को होना क्या पीकर दंगा किया पुलिस ने धर लिया अच्छा ये बाहर से और अंदर भले भोले बाबा के आशीर्वाद से बेटी नए नए लोगों से संबंध बनेंगे सोने चांदी के गहने मिलेंगे और काम धंधे में भी तरक्की होगी अब तो बच्चा भी होने वाला है तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी अरे मेरा छोड़ो मेरा बाबा जो जेल में पड़ा है उसके बारे में कुछ बताओ ना आगे भी तो सुनो भोलेनाथ की कृपा से एक नए आदमी से सहायता मिलने के संयोग भी हैं बाबा को पुलिस लगी हाँ मेरे को लगता है बाबा के ग्रह खराब हो गए इसलिए मैं इसके पास चली आई थी ओए तेरे बाबा को यह तोता नहीं छुड़ाएगा जामिन चाहिए चल मैं लेके आता हूँ चल तू जा चलो पुलिस चौकी ए ए इधर आ क्या हुआ मामा से मिलाया मामा तो बाहर गए हुए हैं 6-7 दिन के बाद आएंगे हाँ अब क्या करूँ जमानत का क्या करूँ किसके पास जाऊँ माँ ए माँ तू फिक्र मत कर मैंने कुछ कर दिया जमानत के लिए तूने हाँ तूने क्या किया वो एक पहचान का ट्रक ड्राइवर है ना वो गया बाबा को लाने तेरी पहचान का ट्रक ड्राइवर
नहीं, वो शीला के पहचान का है। शीला उसको भैया कहती है, उसी ने मेरी पहचान करा दी थी। देख बेटी, अब हमेशा याद रखना, कलेजे पर पत्थर रखकर मैं शीला के साथ जाने देती हूँ तुझे। नहीं अम्मा, तू उल्टा सीधा मत सोच, वो आदमी बहुत अच्छा है। नहीं बेटी, ये दुनिया बड़ी मतलबी है, बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे रो काय कर रही है, मैं मर गया हूँ क्या? बदन में भी चल रहा है, ऐसी हालत में तुम्हें पुलिस थाना जाना पड़ा। आप रोना बंद कर, चल घर तो ले चल। हे बाबा, बाबा वो दुरुप ड्राइवर ने जमानत दी ना? हाँ, उस शरीफ आदमी को मैंने घर पे चलने के लिए कहा, लेकिन कहने लगा मुझे जरूरी काम से जाना है, मुझे ऑटो में छोड़ के गया। बहुत अच्छा आदमी है। ओए मद्रासी, आया उस्ताद। ओए कंजरा, बदन में थोड़ी फुर्ती ले आ, चल जाके कड़ी लेता, शाम आ गया उस्ताद। ये उस्ताद जानकी। ओए तू चल जाके अपने लदाई का काम कर। ठीक है उस्ताद। तू उधर किधर चले अट्टे भाई? समझ गया उस्ताद, समझ गया। ओ जानकी, यहाँ कैसे चली आई? चल चल के आई, मेरे को चलने की बहुत आदत है। तुमसे मिलने के लिए आई थी। मुझसे मिलने आई? सब खैरियत है ना? तुमने बाबा की जमानत दी, शुक्रिया कहने आई थी। तेरी शुक्रिया की क्या लोड़, मैंने कुछ कोई किला पता करता है। तेरा बाबा अब कैसे है? ठीक है, बाबा ने जब घर पे बुलाया तो तुम क्यों नहीं आए? बस कुछ काम पड़ गया था। अच्छा, क्या नहीं आए? हमारे घर में बिठाने को ना अच्छी कुर्सी है ना ही स्टूल, किधर बिठाती। अच्छा, जब तू बुलाएगी तो मैं अपनी सीट ना लेके आऊंगा। चली कहाँ? घर जा रही। ओए घर तो जाना ही है, इतनी दूर चल के आई है, कुछ ठंडा ठंडा पी ले, आ जा। नहीं। ओ, तेरे पास ये गर्दन लाने का ठेका है क्या? हर बात में ना ना ना। ओ, ये पेट भूखा रहेगा तो बदुआएं मिलेंगी, तेरा भगवान मुझे भी गालियां देगा, आ जा। क्या हुआ, अंदर आ ना। नहीं वो कोई बहुत शर्माती है, चलो उठे बैठ जा। अल खाने को भी ला रहा हूँ। ओए जल्दी किस बात की, आराम से पी। मालिक, गोपी पनघट पर आ गई है। ए अम्मा, अरे ये क्या कर रही है तू? हाँ, किसने बोला इन चिथड़ों का मैल निकालने को? मैं मर गई हूँ? मर गई हूँ क्या मैं? अरे बिस्तर पकड़ोगी, कोई देखने को नहीं आएगा, चलो उठ। हाँ ये ले, और ये रे पैसे, ले चल जा अंदर जा, इसको भी लेके जा, और चाय वाय पी ले कुछ। तू मेरा थोबड़ा क्या देखता हौले चूहे, जा कोई अच्छा सा पनघट का गीत लगा दे। बिलो मालिक। अबे हौले की औला, शादी के टाइम में मातम के गीता लगाता तू, चल तफा। मिजाज चाहिए आशिकाना, जैसे मेरा बोले तो। बोल दो, अरे ओ दिल
का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में भला पाक। हेलो हेलो 1 2 1 2 माइक टेस्टिंग। हेलो माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग 1 2। हेलो माइक, माइक टेस्टिंग। हेलो अरे मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ चले? डॉक्टर ने मना किया है। अरे साले बुखार दे तो मुंह का मजा ही किरकिरा कर दिया। बाहर धंधे पर निकलूंगा तो कुछ चटपटा खाने लायक कमा सकूंगा। और बुखार बढ़ेगा तो दवा खाना जाना पड़ेगा। अरे मारो गोली दवा खाने को, एक नौ टाइम से ही काम चलेगा। अरे सुनो तो सही। ओए बाबा, अरे क्यों जिद कर रहा है हा? तूने आराम करना चाहिए ना। अरे बुखार नहीं, मुझे तो साला आराम मार डालेगा, मैं तो साला पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ चटपटा खाने को दो। ए, अम्मा उसको वो तड़के वाली दाल और भुना हुआ गोश्त देना। जी दाल वाल दो ना, मुझे तो सिर्फ मुर्गी की बिरयानी चाहिए। अरे कहाँ से आएगी मुर्गी की बिरयानी? दवा के लिए पैसे नहीं है, मुर्गी की बिरयानी कहाँ से? अगर मुर्गी की बिरयानी देते हो तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो यार चले। अरे रुक जा, तू रुक जा, मैं ले आती हूँ। ठीक है। क्या आदमी है, इतने बच्चे पैदा हो गए लेकिन तुम्हारा बेहुदा शौक नहीं मरा? यार तो ऐसे ही है साहब। वो आधी प्लेट बिरयानी के कितने पैसे? 4 रुपए। और आधी के आधी? आधी का आधी नहीं होता। वो मेरे पास 2 ही रुपए। 2 रुपए में क्या हुआ? 4 रुपए लाओ फिर बिरयानी ले जाओ। ओए ओए जानकी, तू कुछ लेने आई थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं, पूछो से जाके। नहीं वो बिरयानी आधी के आधी देते नहीं। बिरयानी चला के खा ले। नहीं ओए आना चला। 2 चिकन बिरयानी, 1 ऑमलेट, आधा मटन चाप, 2 राइस, 4 रोटी और 2 चाय। एक प्लेट चिकन बिरयानी और 1 डबल ऑमलेट। नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। देख रिजक को कभी मना नहीं करते। उसको बोलो ना बांध के दे, मैं बाबा के लिए घर ले जाऊंगी। ओए तेरे बाबा की जवान ज्यादा चटोरी है। नहीं नहीं वो बीमार है ना, उसको तीखा खाने को जी करता है। सबका ख्याल ले आवे। वो मेरे को नहीं चाहिए, बाबा के लिए। तेरे बाबा वास्ते भी आ जाएगा, चल पहले थूका। तुम आना मटकोला। तेरा साथ देन ले। चल हाथ नल खा। क्या हुआ? तुम मेरे को ऐसा देखते तो मेरे को शर्म आती। शर्मीला टगा और कहीं की। अच्छा तू आराम से खा ले, मैं बाहर जाता हूँ। वेटर जी बोलो। साहब 7 बिरयानी बांध के लिए। अच्छा ये लीजिए साहब। थैंक्स। खा लिया? और कुछ नहीं। अलग करके लिए किधर? घर। ओए खाए पिए बैठे ठाले खिसके। चल मैं तेरे कार छोड़ दे। नहीं ओए गर्दन ऐसे के बजाय ऐसे भी लाया कर। कोई देख लेगा तो? कोई देख लेगा तो क्या, कोई चोरी की थी? तूने कोई चोरी की थी? तो फिर किस बात का डर है? चल गाड़ी में।
अब आता है मेरी समझ में, मेरे रिकॉर्डर का असर काय को नहीं होता? हर हिट गाना मेरा फ्लॉप हो जाता है। मैं रिकॉर्डिंग बदल डालता हूँ अभी। माटी मिली चल। तू क्यों हंस रही? तुम जो हंस रहे हो? मैं तो तेरे को देख के हंस रहा हूँ जान। हाँ, तुम तो सामने रास्ता देख रहे हो झूठे कहीं के। देख जानकी, आंखें हो या पीठ, मैं देखता हमेशा तुझे। तू मजाक समझ रही है? फिर तेरे से खुलासा कर ही ले। गाड़ी क्यों रोकी? जानकी एक बात कहूं? क्या? तू मेरे बारे में क्या सोचती है? तुम दूसरों की मदद करते हो। नहीं, तुम अच्छे आदमी हो ना। अच्छी था तू भी। देख, अच्छा बुरा तू नहीं मालूम। साफ कहूं जानकी, ना जाने क्यों तेरी तरफ दिल भागता है। तुम तो कह सकते हो, मैं तो कह भी नहीं सकती। जानती हूँ ना क्या मैं कहाँ तुम कहाँ, ऐसा इस दुनिया में हो नहीं सकता। नहीं जानकी, हो सकता है कोई चाहे तो। एक बात पूछूं, कभी मुंह तो नहीं फेरोगे ना? जिंदा रहते तो नहीं, मर गया तो। मैंने अपनी आंखों से देखा बहन, जानकी ट्रक से उतर रही थी, उसके हाथ में एक बड़ा सा पुड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लड़कों के बारे में कुछ भी कहना मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरी जानकी वैसे नहीं है। मैंने जो देखा वो कह दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बिरयानी ले आई मेरी अच्छी बिटिया। अरे बिरयानी, बिरयानी आ गई, बिरयानी। अरे वाह बिरयानी, अरे बिरयानी। दीदी दीदी मुझे भी दो ना। लाई हुई मैं पूछती हूं, कहां से लाई हुई? बोलो चुप क्यों? अरे बाप ने कहा बेटी से बिरयानी लाओ, वो ले आई। कब कहां क्यों पूछने से अच्छा है बिरयानी खाओ जैसे मैं खा रहा हूं, और तू काहे को गुस्से में आ रही है बाप? शर्म आनी चाहिए तुमको। आज की दुनिया में कोई एक ढेला भी नहीं देता बिना मतलब के। जवान बेटी इतनी सारी बिरयानी कहां से लाई है, एक बार पूछते नहीं बना? खाए जा रहे हो। कहां से लाई है? वो कमाती है, अपनी कमाई से लाई होगी, और कहां से लाएगी बोल। जो वो कमाती है उसे एक पुड़ा भी नहीं आएगा, और वो लाए छह पुड़े। बोल कहां से लाई है, क्या बेचा है तूने अपने इस बिरयानी के लिए? बोल तो फिर वो कौन है? कौन? जिसके ट्रक से तू उतर कर आई है। अरे ये किसी कहकई ने तुम्हें उल्टी रामायण सुना दी है, अब बस भी करो। कैसी बातें करते हो? जग्गू की माँ ने इसको बिरयानी के पोटले के साथ किसी ट्रक से उतरते देखा है। तो कौन सी आफत आ गई? होगा कोई जान पहचान का आदमी। कौन था बेटी? बाबा
वो एक धर्मात्मा था जो किसी की भूख नहीं देख सकता था, इसलिए उसने मुझे बिरयानी खरीद कर दे दी। बिना मतलब कि आज कोई किसी को कुछ नहीं देता। सच सच बता, कब से जानते तू उस आदमी को? मेरे सर पर हाथ रख कर बोल, मेरी कसम खा और बता, क्या कीमत दी है तूने इस बिरयानी के लिए? बोल, बता दे मुझे। अम्मी, मुझे माफ कर दे। देखा, देखा तुमने, सब कुछ खत्म हो गया। अरे तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अरे तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे दिखाऊंगा कि इस दुनिया की चमक दमक में पेट की खातिर क्या कुछ नहीं बिकता। अगर तुझे नहीं खाना है, लारी मुझे दे, मैं खाता हूं। आग लगे ऐसे पेट को जो पाप की कमाई से भरता है। तुम दूर हो जा, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। अबे कुडना लौट। अरे तू काहे को रो रही है, क्या हुआ? अम्मा ने मेरे साथ कल से बात नहीं की, बोल के तेरी मनहूस सूरत मत दिखा। अरे तू तो अपनी माँ को जानती है, चोट लगी है तो रोना पीटना चिल्लाना कुछ दिन चलेगा ही। उसने इस दुनिया में सिर्फ परिवार देखा है अपना और कुछ नहीं। तू जा चाय बना, मैं देखता हूँ उसे। जानकी की माँ, ओ जानकी की माँ, पता नहीं कहाँ चली गई। जानकी, ओ जानकी, तेरी माँ तो घर पर नहीं है। रात को तो घर में ही थी। अरे तो फिर कहाँ चली गई? अच्छा तू उधर देख, जानकी की माँ, जानकी की माँ, जानकी की माँ, जानकी की माँ। अम्मा, ए माँ, जानकी की माँ, जान। अम्मा, क्या हुआ रे जानकी? तूने मेरी अम्मा को देखा? नहीं, मगर क्या हुआ? जानकी, जो मैं सुना वो सच है क्या? क्या सुना तूने? ये कि तेरे को किसी ने धोखा दिया, मिट्टी के बदले में छीन लिया। पता ना कौन है जानकी? अरे बोलना कौन रे वो? ड्राइवर। ड्राइवर? ड्राइवर पुरुषोत्तम? अयो, इसका मतलब तुम लुट गए, बर्बाद हो गए। तुमने ही कहा था ना वो अच्छा आदमी है। अगर वो अच्छा आदमी है भी तो क्या जानकी, कोई आदमी तुम्हारे लिए अपना बीवी को छोड़ देगा? क्या बोलती तू? अयो, उन्हें शादीशुदा भी है, उनको एक बच्चा भी है। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भैया, जानकी की माँ ने रेल के नीचे जान दे दी। अपनी बेटी की इज्जत लूट जाने के गम में। क्या ये ताला बंद करने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि तेरी माँ पे क्या गुजरेगी? जानती है, तेरी गाली कर्तूत से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इसको खाने के लिए पैसे मांग कितना मार। ए हाउ ले, इधर आ। आया मालिक। रामायण पढ़े बिना ये क्या गलाटा चल रहा भाई? अरे बहुत मार पड़ी, बहुत मार पड़ी। मामा ने मार मार के दिल के सारे अरमान निकाल लिए। मगर वाह रे जानकी,
एक बात नहीं निकाली मुंह से। ये सब कुछ करने के पहले धरती कौन है वो कमीना जिसने तेरा काला मुंह किया? राम जाती चटाई पर जंगल की खल के आ रही है। अरे 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 काय को मारता है बिचारी को? हां ए मौसी तू कुछ नहीं जानती, तू चुप रह। अबे झींगे मेरे को तो भगवान भी नहीं चुप करा सका, तू कौन? चल हट हट चल अंदर चल चलो। तेरे को तो बिल्कुल ही अकल नहीं, वो साला उसको जानवर की तरह मार रहा है फिर भी तू उसी का बाजू लेता है क्या? अगर मौका जैसा कुछ कर बैठी तो। अरे सुबह से उस हराम जादी से नाम पूछ रहा हूँ, नाम क्यों नहीं बताती? तेरे को पूछने का तरीका आता है क्या? मेरे ऊपर छोड़ दे, भाई पूछेगी उसको। पूछो कौन हो सकता है? मैं जानता हूँ उसको जिसने जानकी के साथ किया। अबे ओ झींगे झींगे पता कौन है? वो बता बता दे, वो नाके के पेट्रोल पंप पे है। नाके के पेट्रोल पंप पे? अबे ओ झींगे तुम हमारी लड़की को ऐसा कैसा किया रे? तुमने तो मेरी जमानत दी थी, मैं तो समझा था तू बहुत अच्छा आदमी है यार। तू चुप बेजनक, ये साला हराम को ना ऐसा छोटा है, ये लोग बात से नहीं हाथ से काम दिखाना चाहिए। चलो मारो इसको भाई लोग। अरे छोड़ो इसे, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? अरे पुरुषोत्तम, ए शिट, ये साले ने हमारी जानकी का इज्जत लूटेला है, हम हराम को कुछ जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ इसी ने मेरी लड़की की इज्जत लूटी है। पुरुषोत्तम क्या बोल रहे हैं ये लोग? अब बोल। अरे ये ऐसा मुंह नहीं खोलने वाला है, किसको पत्ती खोले रखता है। इसको मत जा। हे हे रानी काय को मारी इसे? इसी ने तेरी इज्जत लूटा है ना। ए किसने बोला तेरे को? अरे साइकिल की दुकान पर काम करने वाले सुदामा ने कहा। उसने देखा क्या? उसको बुला के ले। अरे सुदामा 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 किधर गया साला? ए सुदामा किधर गया, नजर ही नहीं आता। अरे अगर वो सच्चा होता तो यहाँ मौजूद होता, उसे तुम लोगों को झूठ बोला और भाग गया। अरे एक उल्लू के पट्टे के कहने पर तुमने एक शरीफ आदमी को मार मार कर अधवरा कर दिया। अरे मेरी बेटी झूठ बोल रही है। तुम चुप रहो जी, जिसकी इज्जत लूटी वो यहाँ मौजूद है और ये लड़की से पहचान भी नहीं रही है। अब शराफत इसी में है कि तुम लोग इससे माफी मांगो, वरना मैं तुम सबको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, समझे? तेरी वजह से ये सब कुछ हराम यादी चिनान। आओ चलो आओ पुरुषोत्तम। की मेरे पति ने किसी लड़की की इज्जत लूटी? की कह रहे हो प्राजी? नहीं 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 ये बात नहीं है, आप समझी नहीं। दरअसल हुआ ये कि किसी ट्रक ड्राइवर ने झोपड़पट्टी की एक लड़की की इज्जत लूटी और झोपड़पट्टी वालों ने पुरुषोत्तम को वो आदमी समझकर इस बेचारे की पिटाई कर डाली। लो ये कोई बात हुई? किसी ड्राइवर ने किसी लड़की की इज्जत लूटी और बदनामी भी मेरे पति की? तुसी तो मेरी जान ही ले लेती, पर आप लोगों ने इस बात को इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? अरे भाई मैं क्या कर सकता था, वो लोग बुरी तरह गुस्से में थे, आंखों में खून उतरा हुआ था उन लोगों के। वो तो खैरियत के हुई कि जिस लड़की की इज्जत लूटी थी उसने खुद आकर कह दिया कि ये वो आदमी नहीं है, तो बात रफा दफा हो गई, वरना खून खराबा भी हो सकता था। भाई गुरु मामला इतना गंभीर था, तुझे पुलिस तो क्यों नहीं बुलाया? मैंने तो कहा था इनसे पूछ लीजिए। बस यही इनकी खूबी है और यही इनकी खराबी है, अपनी सच को साबित करने की परवाह ही नहीं इनको। प्राची तुसी बैठो मैं चाय लाई। अरे चाय वाय की जरूरत नहीं है, कोई तकल्लुफ मत करो। अच्छा पुरुषोत्तम मैं चलूं? लुक आफ्टर योर सेल्फ, और किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ मुझसे कह देना, समझे? अच्छा प्राची सत श्री अकाल। जीती रहो बेटी जीती रहो। हाय मैं मर जाऊं, बहुत मारा क्या उन लोगों ने? नहीं सोनी तुम परेशान ना हो, तुसी आराम करो, मैं दूध लेके आई। पापा पापा आपने मार मारी किया? नहीं बेटा किसने क्या तेरे से?
तो ओए तू पापा नु तंग ना कर, जा जा के बाहर खेल, ये लो जी। अगर वो औरत ठीक वक्त पर आकर सच ना कहती कि वो आदमी तुसी नहीं हो तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता। बिचारी जरूर कोई भोली भाली औरत होगी। मुझे माफ कर दो, अब और क्या चाहिए इस पापन से? एक बात पूछने आया। क्या? तूने मुझे माफ क्यों किया? लोगों को मेरा नाम क्यों नहीं बताया? क्या होता, पाप का बोझ पड़ रहा है कहीं? तुम्हारा नाम बता देती तो मेरा मामा तुम्हें जान से मार डालता। तुम मर जाते तो मैं विधवा नहीं होती, क्योंकि तुमने मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरा। हाँ, तुमने कहा था ना आंखें हो या पीठ, मगर देखूंगा तुम्हें ही। तो फिर काय को नहीं बताया उन देखने वाली आंखों पर किसी और का आंखें? काय को मुझे अपनी शादी को छुपाया? जानकी, भूख की जानकी, मेरे को खिलाते वक्त ये भी सोच लिया था कि अपनी भूख भी मिटाओगे, खाकर मैं दब जाऊंगी, खिलाकर तुम उठ जाओगे। इतना जलील मत कर। और नहीं तो क्या, इस भिखारन के पास अपनी इज्जत के सिवा और था भी क्या? तुम एक ट्रक ड्राइवर, एक कचरा उठाने वाली लड़की की जिंदगी में सपना बनकर चले आए, फिर भी दोष तुम्हें नहीं दूंगी। मैं सोचा था मेरे को सहारा मिल गया, पर नहीं, जानकी अकेली है। चौके में चुपचाप बैठे रहने से खाना अपने आप थोड़ी पक जाएगा, पूछो उससे पका के खिलाएगी या नहीं। सुना नहीं तूने? वो क्या कह रहा है, जब तक माँ जिंदा थी वक्त पे खाना तो मिलता था, तेरी वजह से माँ ने खुदकुशी कर ली, अब कम से कम खाने का तो बंदोबस्त कर। मुझे भूख लगी, या तो कुछ खाने को दो या खाने के लिए पैसे दो। दीदी दीदी मेरे को भूख लगी, या खाना दो। दीदी गुस्से से गई है, लगता है आज फिर बिरयानी मिलेगी। ए बाबा, क्या है? वो बच्चे से भूखे, कुछ पैसे दो ना। अरे मेरे पास 2 रुपए है, वो भी दाव पे लगे हैं। अरे कुछ तो दो। अरे कह दिया ना, मेरे पास एक ढेला नहीं है। जी तरह बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं। रघुकुलरी हाँ, बोल बोल बाबा। हाँ, मैं वो शीला के साथ फिर से रद्दी कागज उठाने का काम करने जाऊं क्या? जाऊं? अरे जरूर जा, नहीं तो टब्बर का पेट कौन भरेगा, चल जा। जिंदगी रोक के दे। चुप कैसे रहूं, आग लगी हुई है सीने में, क्या कमी थी मुझ में जो या दूसरी ले आया? ओए एकी कह रही है, सबके सामने इसकी जुबान खुलेगी कैसे? तू चुप रहे, मैं नु पूछने। जगन शादीशुदा जिंदगी का मतलब की होता है? समझता के आदर, एक दूसरे का बोझ नहीं। देखो बीबी जी, मैं बहुत कम बोल लू सू, पर घड़ी घड़ी नहीं बोल लू सू। मैं एक बार कह दिया कि इसके साथ नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता, बस। क्या तो ऐसा रहे जी, कोई कमीज है उतार के सूट देते और कह देना मैं नहीं पाड़ी। जिस कमीज ने मैं अपनी मर्जी से अपने बदन पहन सकूं, मैंने उतार के फेंक भी सकूं। ठीक है, जब तुमने अपनी बीबी को कमीज बनाकर उतार फेंकने का फैसला कर ही लिया तो करो मेरा हिसाब। तो कर ले, के हिसाब तेरा बोल। ठीक है, मेरे बुंदे, मेरी अंगूठियाँ और वो सारा सामान जो अपने साथ लाई थी मुझे वापस चाहिए। बेच नहीं खाए, सारा का सारा गिरवी रखे। मुझे सब कुछ वापस चाहिए। हाँ मिल जाएगा सारा का सारा कल तलक। बड़ा कल का आया। ओए तू चुप चप्पा, ये सब चीजों को वापस करने से हिसाब पूरा हो जाएगा? और नहीं तो के, या कौन सा सूसरा खजाना लेके आई थी घर से? ओए एक गल दस, तू उसके साथ नहीं रहना चाहता? इसकी वजह क्या है,
इसके चरित्र पर शक है तुझे या इससे दिल भर गया तेरा? हमारा दिल उब गया इससे। अच्छा तब तो तुझे कुछ और भी वापस करना पड़ेगा जगन। अब जो कहेंगे मैं इसे वापस कर दूंगा। कर देगा जगन। जिस रात ये ब्याह कर तेरे घर आई थी उस रात की सुबह तक इसने कुछ खोया था और तूने कुछ पाया था, कैसे वापस करेगा उसको? के मतलब? मतबल के लाके समझाती तुझे। मतबल शर्म नहीं आती तुम मर्दों को? बीवी तो चाहिए कोड़ी। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है तुमने? 100 दाग लेकर घूमते हो शादी से पहले भी और शादी के बाद। कच्ची कलीनों फूल बनाकर मजा लेते हो और बाद में सूखकर फेंकना चाहते हो। अरे औरत कोई आम नहीं है जिसे चूस कर गुटी फेंक दी। अच्छी तरह सोच विचार कर ले जगन, नहीं तो समझाना आता है मुझे भी। ये ना समझी कि अकेली है, चल जाकर काम कर। ओए अपना आंसू पोछ और चल अंदर। मत्थे मारी गई मेरी। क्या हुआ नहीं जानी? चक्कर आ रही मेरे को। अरे चक्कर नहीं आता तो और क्या आता? कुछ खाना क्या नहीं खाना? 2-2.5 रुपए दिन में कमाती, 8 आना भी पेट को नहीं डालती। आ इधर आ, चल तू इधर बैठ। मैं तेरे कुछ खाने को लेकर आती, बैठ इधर, चाय लेकर आती। जब तक चिक्की ले मुंह में डाल, पेट ठंडा रहेगा। जानकी क्या हुआ रे जानकी? अरे इधर फट गया तो आंखें फट फट कर देख रहे हैं हरामजादा। क्या रे फ्री में शो चलता है क्या? भाग यहां से सुअर। पहले चाय पी ले, तेरा तबीयत ठीक नहीं। इजड़ा साला एक नंबर का। रानी मछली दे, ऑमलेट दे और 2 पाव दे दे। अरे जनक जब बीबी जिंदा थी तभी तो तूने कुछ नहीं किया, घर में ध्यान नहीं दिया, अभी तो कुछ कर। अरे तो मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे जानकी तो खराब हो गई, कम से कम ये तो पता कर कि आप किसने करा। अरे मैं क्या करूं, जब भी पूछता हूं चुप्पी लगा जाती है, जैसे मुंह पे ताले लगा रखे हूं। ताले लगे हैं? तू एक काम कर, तू उसको मेरे पास ले जा, मैं खोलती हूं उसका ताला। ठीक है। जी हाँ है, बस अभी तैयार हो रही है, 10 मिनट में आ जाएगी। जी हाँ हाँ। 3 बार नंदा सेठ का फोन आ चुका है, तू अभी तक भूत बनी बैठी है, चल जल्दी से तैयार हो जा। सुनती है कि नहीं? तंग आ चुकी हूँ मैं रोज रोज के आने जाने से। वो जो जगमोहन सेठ है ना, रखने की बात कर रहे थे, रह जाती हूँ मैं उनके पास। कब तक रखेगा वो तुझे? हाँ जाकर पूछ लेती हूँ ना उससे, कब तक रखेगा वो मुझे। अरे वो रख भी लेगा तो क्या दे देगा तुझे? 1000 रुपल्ली महीना, और उस 1000 रुपल्ली में होता क्या है? चाय पानी का खर्चा भी नहीं निकलता तो फिर घर कैसे चलेगा? अरे इस धंधे में जवानी के दिन रात ही तो होते हैं कैश करने लायक, और जब सूरत और शरीर ढलने लगता है तो सिर्फ पैसा ही काम आता है, पैसा। ऐसे क्या देखती है मुझे? कुछ नहीं, जिस रिक्शा वाले के साथ मैं जाती हूँ ना, उस रिक्शा वाले की जवान बेटी के साथ एक मर्द सोया था, ये सुनकर उसकी बीवी ने यानी कि लड़की की माँ ने आत्महत्या कर ली। मन ही मन में उसकी माँ के साथ मैं तुम्हें तोड़ रही थी, तुम्हें। तब क्या पुतला बनाकर चौराहे पे रखा है किसी ने? अच्छी तरह से सुन ले रूपा, अगर तूने ये धंधा करने से इनकार कर दिया तो मैं तेरी छोटी बहन के साथ यही धंधा करवाऊंगी। नहीं, मैं करूंगी, मैं। क्या नखरे? अबे ओछीगी ना। ओके जाके जा। की ओरी किसके लफड़े में तेरा कोई हाथ था क्या? नहीं नहीं वो लफड़ा मैं नहीं, इन अकेले खिला। नहीं मेरा मतलब मेरे को कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? जानकी मालूम क्या है? नहीं मालूम, इसको कुछ नहीं मालूम। मालूम नहीं? नहीं। ठीक है तेरी खबर में बाद में लेगी, चल जा इधर से। फुट आगे तू किधर जा रही? तू चल मेरे साथ। शीला क्यों रही झींगी? तेरे बाप ने तेरे को 1000 बार पूछा ना कौन है कौन है, लेकिन बिरयानी वाले का नाम इस तेरे मुंह से फूटता नहीं। वो तेरे को कुछ धमकियों की तो नहीं दिया?
नहीं नहीं रानी, बहुत अच्छा आदमी है, सच्ची सब समझते वैसा नहीं है। अच्छा तो नाम काहे को नहीं बताती? नाम कैसे बताती, उस दिन तो सबके सर के ऊपर खून चढ़ा हुआ था, उस बेचारे को कोई मार देता तो मैं शादी के पहले बेदरू हो जाती। अरे अरे रोती काहे को है, इसमें रोने का क्या है? माँ जिंदा होती तो सब कुछ बता देती। मैं क्या मर गई क्या? उसको मेरे पास ले क्या? मैंने भी उसको वही कहा, मैंने कहा माँ के बाद तू ही मेरा सब कुछ है। तेरी अच्छाई सुन के बोलता है तेरे को खुद मिलने आएगा। कभी लेके आती उसको? आज ही लेके आज। वो रानी ना वो ट्रक के ऊपर लंबे सफर पर गया है, अगले शुक्रवार को ले आऊं। हाँ ठीक है, लाना जरूर लेके ना। मैं जाऊं फोट। कुछ नहीं मेम साहब, वो मेरी लड़की खड़ी है ना, पैसे देकर आता हूँ, दो दिन से मैंने कुछ नहीं दिया ना। अच्छा। जानकी, ओ जानकी। हाँ? ये ले, अगर मैं घर ना आऊँ ना तो चिंता मत करना, कहीं भी सड़क किनारे रिक्शा लगाकर सो जाऊंगा। अच्छा। ठीक है। अरे मेम साहब आप क्यों आ गई यहाँ? तुम्हारी बेटी से मिलने। जानकी ये वही मेम साहब है जिनकी मैं बात करता था, बहुत अच्छी है, जिंदगी के लंबे सफर में बहुत मदद किया है इन्होंने मेरी। नहीं नहीं तुम्हारे बाबा तो बेकार ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं जो हूँ वो तो जानती हूँ मैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे कपड़े उजले हैं। क्या करती हो तुम? वो सड़क से रद्दी कागज उठाने का काम करती। अच्छा, जनक किसी दिन इसे घर ले आओ ना। नहीं नहीं मेम साहब, वो बात क्या है कि ये किसी के घर जाती नहीं है, बहुत शर्माती है ये। अगर तुम मेरे घर नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। नहीं नहीं मेम साहब। क्यों? वो उधर वो गटर में वो बहुत बहुत बदबू आती है। तुम तो गटर के पास रहती हो और मैं तो गटर में गिरी हुई हूँ। राम राम मेम साहब, आप ये क्या कह रही हैं? चलिए जाइए आप रिक्शा में बैठिए, चलिए। अच्छा जानकी ये लो। नहीं मेम साहब। अरे ले ले ना, जब मेम साहब बड़े प्यार से दे रही हैं तो ले ले। ले लो। अरे ले ले। अच्छा मैं चलती हूँ। हे बाबा, हाँ मेम साहब को मेरे बारे में कुछ बोलना नहीं है? अरे वो हमारे घर की सब बातें जानती है। जाने दो, जानती है तो अरे सारी दुनिया जानती है। देख मैं तेरे लिए क्या लाई, ले खाएगी ना, ले ये रख ले, ये रख तू खा ले, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले 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 अकेले। मालिक ये क्या, आज सिर्फ भूल के चली गई, कुछ दिखाया नहीं। अरे हौले चूहे की हौली औलाद, बोटियां दिखाती हूँ दूर से, नजदीक आती तो बात करती, अच्छा और नजदीक आती तो बोलती बंद। पास आओ क्या? अरे आती हूँ ना, ऐसा तमाशा दिखाऊंगी। अरे ओ जानकी, ए इधर इधर। रानी क्या हुआ? क्या हुआ तेरा सच? मैं सुबह से तेरी वाट देख रही है। मेरी वाट? भूल गई ना, आज क्या दिवस है? ए झींगी, आज शुक्रवार है शुक्रवार। हाँ। तू तेरा उसको मेरा घर में खाना खाने को लेके आने वाली थी ना आज। हाँ, चिकन बनाई, बिरयानी बनाई, क्या क्या नहीं बनाई। और रानी मैं तेरे दुकान पर अभी आने वाली थी, वो क्या है मैं जा रही थी ना रास्ते में, वो घर में पानी नहीं। मगर उसका क्या हुआ? उसका वो उसका दोस्त आया, तो उसके दादाजी के दादाजी का श्राद्ध है ना, तो वो तो अगले शुक्रवार को ही आएगा। खाली फुकट में मेरा 20 रुपया चला गया ना। 20 रुपया? अरे छोड़ो 20 रुपया, ये 20 रुपया ना 200 रुपया वापस लाएगा। 200?
कैसा? अरे उस घर में तेरा क्या धाक है मालूम है? अरे सच? अरे तेरे को मालूम है उसकी अम्मा क्या बोली? क्या? वो बोली इस दुनिया में ऐसी भी कोई औरत होती है जो किसी के ऊपर अपनी जान लड़ा दे? मालूम? और उसको क्या बोली मालूम है? सुन सुन, उसको बोली ऐसी भली औरत को खाली हाथ नहीं मिलने जाना है? वो बोली इतनी लंबी जरी की साड़ी ले जाना है? तो मैं क्या बोली मालूम? मेरी रानी है ना, उसको लाल रंग बहुत खुलता है, है? तो तेरे लिए ना इतनी लंबी जरी की साड़ी लेकर आने वाला है। सच? कभी? हाँ, अगले शुक्रवार को ना। अगले शुक्रवार को? रानी वो तेरा वो 20। अरे मार गोली 20 रुपया को। अगले शुक्रवार को मैं 4 मुर्गी बनाएगी, झींगा बनाएगी, पापलेट बनाएगी, क्या क्या नहीं बनाएगी। इतनी लंबी जरी की साड़ी लेके आएगा तो मैं क्या क्या नहीं बनाएगी। अरे जाने की तू बहुत चालाक हो गई है। बात तो बातों में रानी को पानी कर दिया। अरे लाल साड़ी का नाम सुन के एकदम लाल हो गई। बोलती है अगले टाइम 2 नहीं 4 मुर्गे खिलाऊंगी। अब पूरे 7 दिन लाल साड़ी लाल साड़ी। लेकिन ये लाल साड़ी की बला टालेगी कैसे? अरे ये शुक्रवार तो टल गया ना, अगले शुक्रवार को गुरुवार का सोचेंगे। लो बाबा, दोनों को पकड़ के लाया हूँ। क्यों पे? करू, तू उधार लेना जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता। 6 महीने से मैं तेरे को मेरे मुंह से बोल रहा हूँ कि उधारी के पैसे वापस कर, लेकिन अब मैं तेरे को हाथ से समझाऊंगा। अरे फकीरों का हाथ उठा रहा, इसीलिए भगवान ने तुम्हारी दोनों टांगे ले ली। अबे दो टांग की औलाद, ये झालर वाला बाबा तीसरी टांग पे भी खड़ा हो सकता है, देख ले। तुम्हारी तो दोनों टांगे हैं, तुम जनता को चीट करता? जनता को मैं चीट नहीं करता, बल्कि जनता चीट करती है गवर्नमेंट को, उनको टैक्स दे देती है। अरे फकीर होकर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? वाह वो बाबूजी, फकीर किसको बोलते हो? अरे फकीर होंगे तुम लोग, बाबा के तो 7-7 बंगले, 6-6 मोटरे, 5-5 स्कूटर, और अभी बाबा ने 2 जम्बो जेट का ऑर्डर दिया जो कल परसों फ्रांस से आने वाले हैं, समझे? अरे जब इतना माल पानी है तो भीख को मांगते फिरते हो? अरे झालर वाले बाबा जिससे भीख मांग रहे हैं ना, वो खुद भिखारी है। इसने झालर वाले बाबा के पास से 4% पर पैसा ले गया और उसकी सब दारू पी गया, हरामखोर। अरे उधार मांगने के लिए और कोई अच्छा आदमी नहीं मिला? अबे ओ अच्छे आदमी की औलाद, अच्छे और बड़े आदमियों के सिर्फ घर बड़े होते हैं, लेकिन हम गरीबों का दिल बड़ा होता है। शट अप यू भिखारी। यू शट अप सन ऑफ भिखारी। यू थिंक वी बेगर्स कांट स्पीक इंग्लिश? इट्स ओके, इन आवर ओन कंट्री वी भिखारी डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट, बट द एंटायर वर्ल्ड दे एडमायर इंडियन भिखारीज। And now come to the point. You झालर वाला बाबा 50 नया पैसा। You don't have? Okay, then I'll give you. Take this 50 नया पैसा and go home. Go! इसको क्या बोलते मालूम? रईस भिखारी। तू कहाँ जा? तू कहाँ जा रहा है? ये झालर वाला बाबा तेरे को इस तरह नहीं जाने देगा। चल धक्का मार मेरे को पीछे से और घर तक पहुँचा दे। चल। ये फाड़ू, ये इधर है। तेरे को मालूम नहीं कौन है? अरे अपने देश की वो माता है, पंतर पंतर। चल नमस्ते कर। नमस्ते। अरे जल्दी फाड़ उधर, ये नहीं फाड़ना। जल्दी आना। शुक्रवार मर गई, रानी तुम्हारे को जान से मार डालेगी। जिंदगी लंबा सफर है और सिक्के छोटे छोटे, जिंदगी लंबा सफर है। अरे अरे क्या हुआ? अरे रो काहे को रही है? मेरा नसीब फूट गया रे। अरे क्या हुआ?
वो कौन? वो मुझसे ब्याह करने वाला था ना। हाँ, रानी ने मुझे बताया था। क्या हुआ उसे? वो मुझसे ब्याह करने से पहले ना, वो शिरडी के साईं बाबा से आशीर्वाद मांगने गया था ना। अच्छा अच्छा। रस्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अरे राम, अरे राम, बेटी ये क्या हो गया? शादी के पहले विधवा हो गई। मिले क्या? अरे हाँ रानी, वो तो धाड़े मार कर रो रही है। तुम जाओ जल्दी से जाके उसे तसल्ली दो। सानकी अरे जानू, क्या सोचा था और क्या हो गया? अरे तेरा नसीब मुझको हो रहा है, पर ये तो बताओ उसको क्या हो गया? क्या हुआ उसको? मेरा वो मेरे को छोड़ के गया रे। मेरा मंगलसूत्र लाने गया था, तेरी चरी वाली साड़ी। रो मत, तू मेरी माँ। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने। किसके आगे रोना रोए, देश पर आया लोग बेगाने। ये क्या नहीं जाने की रानी को ऐसा क्यों बोली कि उन्हें मर गया कहते? अरे तुम्हें क्या करती, जब भी मिलती मेरे को बोलती उसको लेके आ, उसको लेके आ। कहाँ से लाऊं मैं उसको? मैं कह रानी को ये बताती, किसी के बच्चों का बाप है, किसी और का सुहाग है, इसलिए मैंने उसको हमेशा के लिए मार ही दिया। लेकिन जानकी, एक आदमी जो जीता जागता है उसको जीता जागता होगा अपने लिए, मेरे लिए तो मर ही गया ना। सड़क से रद्दी कागज उठा रही थी, वो पेट के लिए। क्या कमा लेती हो रोज? वो क्या है मेम साहब, आजकल धंधे में बड़ी मंदी है। पहले तो 3-4 रुपए मिल जाया करते थे, लेकिन आजकल मारा मारी से 1.5 से ऊपर नहीं मिलता। क्यों, तेरे बाबा कुछ नहीं देते? हाँ, 4-5 दिन में कभी 4-1 रुपया दे देता है। भाई भी कमाता है, मगर जब से अम्मा मरी वो भी कुछ नहीं देता। अरे जब कमाने वाले घर में कुछ नहीं देते तो तुम कैसे घर चलाती हो? ऐसे ही कचरा उठा के। अगर भाई बहन का पेट नहीं भरना होता ना, तो मैं भी अम्मा की तरह पटरी पर मर जाती। नहीं नहीं जानकी, ऐसा मत सोचो। जब कभी तुझे तकलीफ हो तुम मेरे पास आ जाया कर, मैं तेरी मदद कर दिया करूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मेरे को कुछ ऐसा काम दीजिए ना जिससे कुछ और पैसा मिले। क्या मतलब? वो बाबा कह रहा था कि वो आप कुछ ऐसा काम करती है जिससे दिन में 50-100 रुपया मिलता है। वो मेम साहब, मेरे को भी उस काम पर लगा दीजिए ना। वो काम? अगर कोई जूनियर है तो मेम साहब मैं मेंबर बन जाऊंगी। नहीं जानकी, जो कुछ भी मैं करती हूँ ना, वो सब करने की बात तुझे सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। क्यों, क्यों? कोई मुश्किल काम है? हे भगवान, कैसे समझाऊं इस भोली भाली लड़की को। सुन जानकी, वो सब जो तेरे साथ होने के बाद तेरी माँ ने जान दे दी थी ना, वो सब मैं अपनी मर्जी से हर रात करती हूँ। जानकी, तुम्हारी माँ ने ये जानकर जान दी कि तुम्हारे साथ एक मर्द सोया था, और मेरी माँ ने
मर्दों के साथ सोने की तालीम देकर जवान किया। क्या सोचकर हैरान हूं, तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए इज्जत थी ना, मैं उसके लायक नहीं हूं जानकी। नहीं मैम साहब, मैं भी औरत हूं, गरीब हूं, मैं जानती हूं इज्जत संभल कर रखने के बाद भूख के सिवा कुछ नहीं रहता इस दुनिया में। जानकी, भूखा इंसान एक बार मरता है, जैसे मां मर गई। तुम्हें मुझसे हमदर्दी है, मैं इस नरक में जीना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कोई हमेशा के लिए मुझे खरीद ले, सारी की सारी। लेकिन जो मेरी माँ है ना, वो मुझे किस्तों में बेच रही है, टुकड़े टुकड़े करके, जान की टुकड़े टुकड़े करके। मेम साहब, मैंने जिसे प्यार समझा था, मेरे लिए आज पाप निकला, लेकिन आपके लिए तो रोज ही पाप। मैं क्या कहूँ? तू कुछ मत कह जानकी। सुन, मैं तुझे कुछ पैसे देना चाहती हूँ, ताकि तू छोटी मोटी दुकान खोल ले, कल को पेट के लिए तुझे ही कोई पाप ना करना पड़े। Come in. नमस्ते। हाय रूपा, आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या लोगी, चाय ठंडा? इस वक्त कुछ नहीं, मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। हाँ बोलो ना। विनोद, मेरे रिक्शे वाले की लड़की एक मर्द की हवस की शिकार हो गई है। इससे पहले कि वो गरीबी और भूख से तंग आकर इस धंधे को अपना ले, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। कमाल की आत्मा है तुम्हारी, दूसरों के दुख बांटती रहती है। पता नहीं भगवान ने तुम्हें ऐसी जिंदगी क्यों दी। इसमें सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती कैसे? भगवान जब मेरी तकदीर लिख रहा था ना, उस वक्त या तो तुम पीकर धुत्ते या घोड़े बेचकर सो रहे थे। मजाक छोड़ो, I am really proud of you. सच विनोद, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि इस दुनिया में एक ऐसा भी मर्द है जो मेरा दोस्त है, जो मेरी जिंदगी को गोश्त का टुकड़ा नहीं बल्कि आत्मा और शरीर भी समझता है। सिर्फ इतना ही नहीं जाने मन, जरूरत पड़े तो ये दोस्त तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस वक्त मुझे 500 रुपए चाहिए बस। ये लो। विनू, इन पैसों का माँ को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं चलेगा। और हाँ, ये पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगी और तुम्हें लेना होगा। मतलब ये कि ये पैसे लौटाकर तुम मेरी नजरों में दोस्त से कॉलगर्ल बनना चाहती हो। अच्छा बाबा, मैं नहीं लौटाती बस। अच्छा ठहरो। बहुत अरसे से तुम्हारे ऊपर मैं नजर रखे हुए था, लेकिन कभी मौका नहीं मिल रहा था। आज मौका मिल गया, चलो मेरे साथ। जानकी, ओ जानकी। क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रहे हो? वो रूपा मेम साहब है ना, उनको पुलिस पकड़ के ले गई। अब मेरा क्या होगा? कुदार, कुदार! अरे जानकी बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। हमीदा, जनक भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ जानकी को? ये कैसे? अरे हटो हटो हटो। क्या हुआ जानकी को? क्या हुआ? बेचारी खाती नहीं पीती नहीं, मेरे को देखने दो। क्या हुआ दादी माँ? अरे तेरे तो तकदीर फूट गए, तेरी बेटी पेट से है। पुत्र भाता है। उस्ताद, एक मिनट। उस्ताद, आपको मालूम है जानकी के साथ क्या हुआ? वो पेट से है। मैं चलता हूं। तुम मेरे को बुलाया? हाँ हाँ, मैं बुलाई। अच्छा ये बात बता, तू पेट से है क्या?
सत्यानाश। कुछ तो करना पड़ेगा। तू मेरी एक बात मानेगी क्या? क्या? अदरासी। यार तू शीला से कह के जानकी से एक बार मिलवा दे, मिलना बहुत जरूरी है। उस्ताद पर ये क्या अच्छा होगा आपके लिए या उसके लिए भी? बुरा क्या होगा, जो भी है वो बच्चा तो नहीं रही। इस हालत में उसका मेरे से और कौन होगा? ये क्या है जानकी? रानी ने दवा दी है पेट के प्यार को निकालने की। बच्चा गिराने को? हाँ, कहती थी मेरे को बच्चा हो गया तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, जैसे मैं सड़क पे खड़ी दुल्हा ढूंढ रही हूँ। रानी भी ठीक ही बोलती है ना। तू क्या बात करती है शीला, मेरे को ये बच्चा 10 मर्दों के साथ सोकर नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी किया आज तो पाप हो गया, लेकिन जब किया तब तो प्यार ही था ना। और उसमें इस बच्चे का क्या दोष? मैं नहीं इसे गिराऊंगी, मेरे को इसके साथ जीना है। लेकिन कल अगर कोई पूछेगा इसका बाप कौन है, ये किसका औलाद है, तो क्या बोलेगी रे? तू तो ऐसे बात करती है जैसे बिना बाप के बच्चा ही नहीं पैदा हुआ इस दुनिया में। कोई पूछेगा तो कह दूंगी बच्चा होने के पहले बाप मर गया। हा? सुनता शीला, जिस दिन मेरी अम्मा ने अपनी जिंदगी खत्म की ना, उस दिन मैं अपनी भी जान दे देती। सच, आज जिंदा हूं क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारी अम्मा ने मुझ पर छोड़ी है। लेकिन इसको कह देना अगर इसने मेरा पीछा किया कि मेरे को तंग करने की कोशिश की ना, तो मुझ मरी का ही मुंह देखेगा ये। टूटे रिश्तों की सदा से गूंजे आसमां, है महाभारत सा जीना मरना है हर पल यहाँ, बेबसी हर प्यार में है ममता को मजबूरिया। वक्त मुंसिफ वक्त मुजरिम वक्त का शिकार, सब कुछ है प्यार, सब कुछ है। सदा जी मैनू दसोगे नहीं? नहीं सोनी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल दरअसल मुझसे भूल हो गई। भूल? कैसी भूल? कोई एक्सीडेंट तो नहीं कर देता? हाँ, मैं मर जावा, कोई मरी तो नहीं? हाँ? नहीं, कोई जख्मी हो गया। ये पैदल चलने वालों को भी क्या बोलूं? खसमनु खानी खुद तो रास्ता देखकर चलते नहीं, सारा कसूर ड्राइवर पे आ जाता है। नहीं नहीं, वो लड़की तो राइट साइड से चल रही थी, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। हाँ जी, उसकी जान को खतरा तो नहीं? नहीं, जान को खतरा तो नहीं, मगर चोट ज्यादा लग गई। तुझे तो खामा का परेशान हो रहे हो, गलती उसकी भी तो हो सकती है। नहीं, गलती उसने नहीं, और शायद गलती मेरी भी नहीं, लेकिन एक्सीडेंट तो हो गया ना, क्या करूं? ये शहर छोड़ के चला जा। ठीक है, तुसी खुश रहो, जो कहोगे करंगी। हाँ, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अंधा।
ए माटी मिले जी फूट जाऊं ये फूट ना जाता फूट जाता क्यों रे रिकॉर्ड काय को बंद किया मेरे कानों में एक और आवाज आ रही ना एक बोटे के रोने की आवाज आ रही ना तेरा क्या पैर भारी है क्यों तू क्या करेगा हाँ बोल दे हाँ। सारा खर्चा मैं उठाता हूँ ना अच्छा जश्न मनाता हूँ इधर हिजड़े आना चाहता हूँ ना हाँ? हाँ? लेकिन जश्न तो बाप मनाता है रे तू मेरा बाप कब से बन गया मैं तेरा बाप मैं नहीं 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 तू मेरा नहीं तू इसका बाप बनना चाहता है ना मैं तो तैयार हूँ तू ना मेरे भाई बहनों के खाने पीने का बंदोबस्त कर दे क्या बात कर रही तेरे भाई बहना मेरे भाई बहना ना और सिर्फ एक ही शर्त है हाँ बोला बोल तेरी बीवी है ना हाँ। उससे तू लिखवा कर दे दे कि तू जानकी से शादी करके उसको अपने घर में रख लेगा मैं मेरी बीवी से लिखवा के लूं कि तेरे को मैं बीवी बना के रखूंगा नहीं होता ना तू मेरी बीवी को जानती नहीं मेरे को कच्चा खा जाएंगी डेकार भी नहीं लेंगे वो मेरा क्या होगा नहीं नहीं तू 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 रो नहीं तेरे को मैं एक इधर है ना जगह बना देता हूँ ना दूसरी भोपू के पीछे हाँ अपना दोनों का अरे हलकट तेरी बीवी से छिपाकर मेरे को दुकान के पीछे रखना चाहता है तेरे को क्या लगता है ऐसा रिकॉर्ड बजाकर बस्ती की सारी लड़कियां तेरे सामने हीरोइन जैसी नाचेंगी क्या चुप 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 तू फिर से रिकॉर्ड बजाना तो मैं तो तेरा बैंड बाजा बना के रखूंगी अरे माटी मिले हाउले चूहे ने काटा क्या माटी मिले एक तो उन्हें मेरे मोहब्बत का मजार खोद गई ऊपर से तू चादर डाल रहा है चलना दफा माटी मिला ये बेचे डालता मैं अभी क्या ए शीला मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ मेरे कुछ खबर नहीं मिली किस बात की जानकी ने बच्चा गिराया कि नहीं आइयो बच्चा गिराया या कड़ा किया मेरे को क्या मालूम नहीं मालूम तो मालूम कर जब चार महीने में सबको सब कुछ नजर आएगा ना तब क्या होएगा अयो होगा क्या जी इतना बड़ा मटके का जैसा पेट लेके घूमेगी इधर उधर अरे लक्ष्मी अरे किधर गई थी इतने दिन माँ के यहाँ गई थी ये पेट बहुत बोझ उठाना पड़ता है ए जानकी जाओ क्या इधर अबे क्या करता है पेट फूटेगा हाय 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 एक तो रतन मटके का नाम सुना था और आज ये दूसरा मटका देख रहा हूँ क्या नाटक करती है एक्टिंग ऐसी करती है जैसे बहुत खुश है हाँ बहुत खुश हूँ ये मिला है ना ये मिला है क्या अरे ये तो दिखाती फिर रही हो और जो छुपाती फिर रही हो वो है क्या छुपाती फिरती है हैं अरे तू क्या समझती है हाँ। ये झालर वाले बाबा को कुछ नहीं मालूम नहीं ये जो तेरा पेट है ना उस पेट के ऊपर माँ का एक छोटा सा दिल है उस दिल के अंदर तू क्या क्या तरह छुपाती फिरेगी और कब तक दर्द वर्द कुछ नहीं रे बहुत अच्छा लगा था उस दिन जिस दिन तूने बोला था कि मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी मेरा सिर चार गज का हो गया था और उसी दिन मेरे को मालूम हो गया था कि तू ही एक सच्ची खुदा की बंदी है और उसी दिन मैंने तय कर लिया था ये आने वाले नए मेहमान का मैं मामू बनूंगा और तेरा भाईजान जो मांगा उसने मैं लाया हूँ हैं क्या मांगा उसने ये देख ये मांगा के नहीं नहीं मांगा तो ले जाता हूँ खट्टा खाने को जी चाहता है ना एक बात याद रख जिसका कोई नहीं उसका
खुदा यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। उस्ताद, अरे उस्ताद कहाँ गुम हो गए थे? महीने हो गए तुम्हें देखे हुए। भाभी जी कैसी है? और गुड्डू अच्छा है ना? सब अच्छे हैं। मद्रासी जानकी कैसी है? बहुत जी करता यार उसने मिलने को, मगर उस्ताद वो बहुत जिद्दी है। अगर आपने मिलने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगी उस्ताद। मालूम है मद्रासी, शाम दे वक्त तो घर पर ही रहते हैं ना? हाँ उस्ताद। दीदी दीदी देखो तो कौन आया है। कौन है? मैंने बताता, तुम खुद आके देखना। अरे ले ले, कितना प्यारा बच्चा है रे यार। ले ले ले, पार्वती तू आई अस्पताल से एक की दो होकर, कितना खूबसूरत बच्चा है। ले 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 ले, ले ले जू 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 जू, दे ना जरा। हाथ मत लगा, हाथ उधर। अरे हट, गंदे हाथ मत लगा। चलो रे मुन्ने को ना चढ़ना लग जाए कहीं। आखिर लड़की तो माँ बनने वाली है, माँ बाप को जन्म देने वाली। छी दादा है, मामा है, दादा है, मामा है, मौसी है। अरे देख देख देख, मामा भी आए। चलो रे चलो अंदर, मेरे मुन्ने के तो मामा मामी दादा है। तेरा तो कोई नहीं, बस तेरी माँ है। Thank you.
मगर आम हो गई ये जिंदगी इन तोहमतों के नाम हो गई सुबह को ढूंढने में मुझे शाम हो गई को ढूंढने में मुझे शाम हो गई। अरे तू फिर से खा रहा है? जानकी को हॉस्पिटल लेके जाएगा कि नहीं? अरे कल ले जाऊंगा ना। कल लेके जाएगा? अरे उसका पहला बच्चा है, उसका देखभाल करना चाहिए ना। लल्लू इधर इधर यहाँ जरा कान लगा ना, देखो सुनाई देता है ना कुछ नहीं तो। अरे ये तो बच्चा है, इसे कुछ सुनाई देगा, मैं सुनता हूँ। आजा। हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। एक काम करेगा, वो शीला को लेके आना, 10 पैसा देगी। अच्छा अभी बुलाता हूँ। आइए रोज आजकल करता, कल मेरा ब्लाउज नहीं दिया तो तेरा पैंट उतार कर ब्लाउज बनाकर पहनेगा। हाँ। दीदी तुमको मेरी दीदी ने बुलाया है। क्यों रे? पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। पेट में गड़बड़? हाँ। हाँ। 10 पैसा। अरे तू मेरे को दे रे। जानकी जानकी क्या रे, कहीं को बुलाई? अरे तेरे को कुछ कहना था। बोलना। बताएगी नहीं ना ये? तेरा कोई बात कभी किसी को बताया क्या? बोल। 2 दिन से पता नहीं क्यों मेरे को शर्म आती है। अरे दीवानी, ये तेरे मेरे बीच में शर्म किधर से आई करता है? बोल रे। पिछले जन्म में ना शायद बहुत सारे बच्चों की माँ थी। अयो जानकी काम की बात बोल रे। 2 दिन से बहुत हाथ पैर चला रहा हूँ। और कहते हैं क्यों नहीं मारता, ड्राइवर की औलाद है ना, कभी एक्सीलेटर पे पाँव डाल लेता होगा, कभी ब्रेक दबा लेता होगा, कभी स्टीयरिंग घुमा लेता होगा। और कहते बोलना। सुनना, उसके बाप को देखने की बहुत इच्छा होती है। ऐसा क्यों कहते? मेरे को खुद नहीं मालूम ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन 2 दिन से ना ध्यान उसी के ऊपर लगा रहता है। मगर जानकी जिसको भूल गई, जो बात खत्म हो गई, अभी क्या कहते? मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ एक बार उसको दिखा देना मेरे को। लेकिन सुन, उसको नहीं मालूम होना चाहिए, मैं उसको देखना चाहती हूँ। क्यों कहते? मर्द है ना, अकड़ जाएगा। सो तो है। ए, दिखाएगी ना? चल कुछ तो भी करती हूँ। कहते अयो करती हूँ बोली ना। मधु क्या रे? मधु अपना जानकी है ना। हाँ? उसको सिंह भाई को मिलना है। सिंह भाई? अरे वो तो काम छोड़ के चला गया रे। चला गया? हाँ। किधर कहते है? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका पता है मेरे पास, ये ले। मधु पता तेरे को मालूम है, तू जाके मिलना रे। नहीं, नहीं, नहीं। अरे मैं तेरे को बस भाड़ा देती ना। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, वो नया ड्राइवर मुझे चाय पीने की छुट्टी भी नहीं देता है, मैं जाता है। जानकी क्या मिला? नहीं, उन्हें नौकरी छोड़कर चला गया ना। नौकरी छोड़ के? हाँ। किधर? मालूम नहीं, ये उसका पता है, उसका कुछ भी खबर मिलेगा ना तो मैं ताबड़तोब बताते। साहब साहब चाय पियो साहब। साहब मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए साहब, इसलिए वो पुराने वाला उस्ताद है ना, उससे मिलना है साहब, बहुत जरूरी काम है। अच्छा अच्छा। इधर इधर। देख मैं तुम दोनों को बाजू में छोड़ जाती हूँ, मेरे को दवा खाने जाना है। अजय बेटी आज चल। उस्ताद भाभी जी घर में है? नहीं, क्यों? उस्ताद वो जानकी है ना, वो आपसे मिलना चाहती है। मुझे मिलना चाहती है? हाँ उस्ताद, वो 2 दिन से आपको याद कर रही है, उसका पेट पूरी तरह से फूल गया है। ओए तेरी,
सच्ची बादशाह, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ यार उससे, उसके पेट में मेरा बच्चा है। तू एक काम करना, उसे कल शाम को लाला की दुकान पे। अच्छा उस्ताद मैं चलता हूँ। भाभी जी आप गुरुद्वारे गई थी? प्रसाद लो। तुम भी लो। मेरा मियाँ बाप बनने वाला है, खुशी का मौका है ना? सोनी। ओह, मेरा गबरू ताश के पत्तों से खिलता है, ये तो जानती थी, मगर भोली भाली लड़कियों की जवानी से भी खिलता है, ये मैंने पता नहीं सी। सबेरे मेरी सूरत देखकर जो घर से निकलता था, मैं सोचती थी शाम को मेरी सूरत देखने के लिए लौटता है। मैंने की पता से कि वो बहुत सी सूरतों को देखकर लौटता है, धर्म समाज ते सभ्यता इन्हें सारे औरत से पवित्रता का मांग करते हैं, मर्द की आजादी को छूते तक नहीं। मैं मानता हूं। तुम्हारे मानने से क्या होगा? मर्द के लिए जो बात सरासर मजा है, औरत के लिए वही मजा जिंदगी भर की सजा बन जाती है। माफी चाहता हूँ। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? माफ करने का हक अब उसका है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सोनी? हाँ, मेरा सुहाग आज मुझे उसका एहसान लग रहा है। सोनी। हाँ, अगर उस दिन मजमे में वो तुम्हारा नाम बता देती तो क्या होता? गुस्से में पागल लोग चाहे तुम्हें जान से मार डालते, मेरे सुहाग की सलामती के लिए वो खामोश रही और उसकी खामोशी ने मेरे मर्द को नामर्द बना दिया। मजमे के सामने तो ना मान सका, मुझसे भी छुपाता रहा। अब तो तुम्हें पता चल गया ना, अब क्या चाहती हो? किसी नामर्द की बीवी बनकर जीना मुझे मंजूर नहीं। मर्दान की सीमें है, उसे यहां लेकर आ, और अगर मैं तुझे छोड़कर ना गई तो आपने आपको दोनों में बांट लेना। सोचता क्या है, किसी बुजदिल शरीफ से बदमाश बहादुर अच्छा होता है। कौन लड़की है? अरे अरे वो चंदा, सुशीला। अरे अरे हाथ लगा उसे, उठा उठा आहिस्ता। ये जानकी कहाँ गई होगी? शायद अस्पताल गई होगी। उसने बच्चे को जन्म दिया है, मगर उसको सर्दी ने इतना पकड़ लिया है कि बुखार से उसका बदन तप रहा है। अम्मा तू उस पर ध्यान रख, मेरे पास नाम और पता है, मैं जाकर लेके आता हूँ। जा जल्दी जा। पुरुषोत्तम सिंह का मकान यही है क्या? एक लड़की बेहोश पड़ी है, उसके हाथ में ये पता था, इसलिए। सुनिए,
चलो जल्दी चलो। उस लड़की की तबीयत बहुत खराब है, चलो जल्दी चलो ना, चलो। कुछ है प्यार, सब कुछ है।